जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बस आज तो अपना आध्यात्म विज्ञान का सत्संग वो हिंदी में है, हिंदी भाषा में है, और बस यहां से हम शुरू करते हैं। सदियों से हमारी एक परंपरा रही है कि हम व्यवहार जीवन में जब से हम जन्म लेते हैं तभी से लेके हम हमारा मृत्यु होता है वहां तक हमारी प्रकृति को और हमारी मानसिकता को एक आधारित जीवन जीने का हैबिट बन गई। आधारित जीवन जीना, किसी के ऊपर आधारित। बाह्य अवस्था में तो आधारित हो सकते हैं, मगर अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से, अपनी भावना से भी आधारित जीवन जीने का एक अभ्यास हमको कई अवतारों से प्राप्त हुआ है। और यही आधारित जीवन जीने का जो हमारा तरीका है, इसीलिए हम अपने जीवन में आध्यात्म के मार्ग में जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले हम, हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा जो ईगो है, वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है कि आखिर हम बिना आधार कैसे जी सकते हैं। तब ज्ञानी कहते हैं ये पूरा विश्व जो है, ये पूरा जीवन है, और जीवन की हर अवस्था है, वो सब अवस्था आपके ऊपर आधारित है, आप इनके ऊपर आधारित नहीं हो। और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उनका सेंटर पॉइंट तो शुद्ध आत्मा ही है, मगर कहीं अवतारों से हमको यह हैबिट हो गई कि बाह्य अवस्थाओं के ऊपर ही, बाह्य संजोगों के ऊपर ही, और बाह्य साधनों के ऊपर और बाह्य संबंधों के ऊपर ही आधारित जीवन जीना एक हमारी सोच हो गई। और वो दृष्टि कभी मिटती नहीं है। तब आध्यात्म के मार्ग में उससे बिल्कुल विपरीत दृष्टि है। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस समाज में, इस परिवार में, या तो मन वचन काया रूपी इस जीवन में जो कुछ भी होता है वो मेरे ऊपर आधारित है। मेरे ऊपर यानी आत्मा के ऊपर आधारित है। मैं कोई संजोग के ऊपर आधारित नहीं हूं। संजोग जो बनाया है वो केवल कुदरत ने बनाया है, और कुदरत ने भी संजोग इसीलिए बनाया है ताकि मनुष्य अज्ञानता के आधार पे जो कुछ भी उन्होंने कर्म किया है वो कर्म की भुगतान के लिए ये संजोग बनाया है, मगर आत्मा संजोग के ऊपर आधारित नहीं है। और इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में पहली कंडीशन है, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। तो जो मेरा इंपॉर्टेंट है, मेरे अस्तित्व का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम अभी तक जिस प्रकार की सोच के साथ जीवन जी रहे थे, ये सोच को पूरी बदलना पड़ेगा। बाह्य संजोग तो व्यक्ति के ऊपर आधारित हो सकते हैं, वस्तुओं के ऊपर आधारित हो सकते हैं,
संबंधों के ऊपर आधारित हो सकते हैं, मगर हमारी आंतरिक दृष्टि इन चीजों के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए और केवल मैं शुद्धात्मा हूं इसके ऊपर ही आधारित होनी चाहिए। तो यहां दृष्टि है, वो दृष्टि को बदलना है और यही दृष्टि है जो पूरी लाइफ में और पूरे आध्यात्म के जीवन में हर समय यही दृष्टि को हमको परिपक्व करना है। और जैसे जैसे आपका विजन आत्मा के ही ऊपर आधारित हो जाएगा, अपने आप मनोचन काया और इंद्रिया की अवस्थाएं और पांच इंद्रियों से दिखता हुआ पूरा संसार, ये सब कुछ कुदरती कानून या कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, ये आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। पहले अपना आधार आत्मा को बनाऊंगे तभी दुनिया को कुदरती रचना समझना आसान होगा। हर चीज में आप कहोगे कि भाई मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, फिर क्या होगा कि आधार तो आपको स्थिर रखना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूं, वो तो स्थिर आधार है, तो उसमें तो पहले स्थिरता से हमको अपनी दृष्टि को बिठाना पड़ेगा। उसके बाद जो परिवर्तित संजोग है, जो टेम्पररी संजोग है, जो आके चले जाते हैं ऐसे संजोग है, जो सुख दुख की भुगतान करने वाले संजोग है, वो संजोग हमारे नहीं है। और हमारे नहीं है तो किसके है? तो वो पूरा संजोग मन वचन काया के साथ जुड़ा है और मन वचन काया और उनकी हर अवस्थाएं कुदरती रचना ही है। ये समझना, अनुभव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जिस प्रकार से शरीर और शरीर के संजोगों का जो बोझ होता है वो धीरे धीरे बोझ खत्म हो जाएगा, सफरिंग वही का वही रहेगा मगर जो रॉन्ग बिलीफ का जो बोझ था वो नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ी बात यह है, अपना सेंटर पॉइंट नक्की कर दो और कोई भी अवस्था में, जन्म से मौत तक की कोई भी अवस्था में अपने सेंटर को छोड़ना नहीं है और सेंटर के बाहर जो कुछ भी है या जो कुछ भी हो रहा है ये सभी कुदरती रचना ही है। और इसीलिए ये कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। ये मेरा है, ये मेरे को हुआ, ये मैंने किया, ये आपने किया, ये आपका है, ये भुगतान कम हुआ ज्यादा हुआ, ये सुख है ये दुख है, ये सब अवस्थाएं कुदरती रचना है। और इसीलिए कुदरती रचना के अंदर हमको डीप में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमको आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपने सेंटर को समझ के सेंटर में स्थिर रहना है और परिवर्तनशील जो हिस्सा है इसको मेरा नहीं है और वो कुदरती रचना ही है, वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज या अपने पजल को सॉल्व करके हम यही मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुधा बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी मेरा प्रश्न है, हम मन ऐसे जानते हैं कि मन से एक थॉट आता है, थॉट्स मन से आता है, लेकिन हमको अगर कोई पूछे कि मन क्या है तो हम मन को कैसे डिफाइन करें?
मन क्या है तो हम मन को कैसे डिफाइन करें? मन वो विचारों को व्यक्त करने का इंस्ट्रूमेंट है, अपने विचारों को व्यक्त करने का इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट दो हिस्से में काम करता है, एक अंदर मन के अंदर बहुत सारी बिलीफ हम लेकर आए हैं और दूसरा हिस्सा समय समय पे उसमें से विचार के रूप में जैसे जैसे संजोग आते हैं विचार के रूप में सब अध्यवसाय के रूप में विचार अपने आप निकलते हैं। हमको लगता है कि हम विचार करते हैं मगर विचार अपने आप निकलता है संयोग के अधीन। तो मन का मतलब है विचार करने का, विचारों को प्रेजेंट करने का इंस्ट्रूमेंट। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मन कैसा बनता है? मन अपना अभिप्रायों से बनता है। जैसे जैसे अभिप्राय होते हैं, जैसी जैसी मान्यता होती है, जैसी जैसी बिलीफ होती है, उसी प्रकार से मन बनता है और वो मन समय समय पे व्यक्त होता है अपने संजोगों के आधार पर। तो वो अलग अलग प्रकार के ग्रंथियों से बना है और वो ग्रंथियों में से एक एक विचार फूटते हैं यानी निकलते हैं। अभी मन में क्या एक जन्म का ही स्टॉक रहता है या विचार रहता है कि हमारा इतने साल इतने जन्मों का भी विचार रहता है? नहीं, विचार एक ही अवतार का रहता है, डेवलपमेंट जन्मों जन्म का होता है और अज्ञान भी जन्मों जन्म का होता है। जैसे कहा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, ये तीनों जन्मों जन्म है और डेवलपमेंट जो भी हुआ वो भी हर अवतार में कैरी फॉरवर्ड होता है, मगर जो विचार व्यक्त होता है संजोगों से जुड़ा है वो तो एक ही अवतार का है। अभी मन आप ओपिनियन से बना है, हमारा बिलीफ से बना है, तो मन अभी प्रतिष्ठिता डिस्चार्ज में मन कैसे है और एक चार्ज में मन है, बराबर चार्ज में मन कैसा काम करता है, वो चार्ज का इसका डिफरेंस कैसे पता चलता है? चार्ज का मन है वो आपका नया मन तैयार होता है आज के आपके ज्ञान दर्शन के अभिप्राय से नया मन तैयार होता है, वो व्यक्त नहीं होता है, वो चार्जिंग में काम करता है, वो डिस्चार्ज में काम नहीं करता है, वो पुरुषार्थ में काम करता है, परिणाम में या प्रारब्ध में काम नहीं करता है। अभी संजोगों के अधीन जो मन व्यक्त होता है, संजोगों के अधीन जो मन व्यक्त होता है वो पूरा डिस्चार्ज है, मगर उसके अंदर जैसा आपको ज्ञान दर्शन है उसी के मुताबिक नया मन तैयार होता है और वो ही मन नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में आता है। अभी मन डिस्चार्ज मन भी ज्ञान दर्शन के आधार डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन के आधार पर ही काम करता है, यानी उसका ओपिनियन बिलीफ थॉट्स आता है, और चार्ज मन भी अभी हमारा चार्ज क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कुदरती रचना है सब, तो मन इसमें कैसे मन बनेगा कि चार्ज के ओपिनियन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मन इसमें ऐसे कैसे चार्ज करेगा? मन तो काम करेगा ना, आपका जो जैसा ज्ञान दर्शन है
वैसा मन तो काम करेगा। अभी आपके पास पहले रॉन्ग बिलीफ थी, अभी आपके पास राइट बिलीफ है, तो वो बिलीफ के रूप में मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, ये भी तो आपका मन है, आप समझे, क्योंकि वो बिलीफ है मगर वो राइट बिलीफ है। तो ये भी एक मन होता है, मगर ये मन आपको मुक्ति की ओर आगे ले जाने में सहायक बनेगा। और जो सांसारिक मन होता है वो संसार की ओर आगे ले जाने में सहायक बनता है। दोनों मन ही तो है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मन ही संसार में भटकाने के लिए और मन ही मुक्ति का कारण है, दोनों एक ही है। भटकाने के लिए भी मन जरूरी है और मुक्ति के लिए भी मन जरूरी है। अभी हमारा ये चार मन, अभी अभी किसी संयोग में, जो संयोग की एक अवस्था में जो मन पहले चार्ज मन पकड़ता के ज्ञान दर्शन फिट होने के बाद ही मन उसका बनता है, उसके ज्ञान दर्शन के बाद मन बनता। अभी अभी एक डिस्चार्ज हो रहा है कोई इंसिडेंट से, इसमें समझ गया मन पहला उसको ग्रहण करता है कि उस सार का होने के बाद जो ज्ञान दर्शन हो गया वो ज्ञान दर्शन के ऊपर मन का फॉर्मेशन होता है। आपका जो अंदर ज्ञान दर्शन है उसके आधार से नया मन बनेगा, और अभी जो ये मन वचन काया और उसकी अवस्था है उसमें जो मन है, मन काम कर रहा है, वो डिस्चार्ज मन है। हाँ। और ज्ञान दर्शन के अंदर से चार्ज मन बनता है। वो दोनों सेक्शन ही अलग है। यानी ये सब ग्रंथियां हैं, जो भी ग्रंथि है वो क्या मन में वो ग्रंथि रहती है, ग्रंथि का ग्रंथि आप बोलते हैं मन के, हाँ मन के अंदर अलग अलग प्रकार के अभिप्रायों की ग्रंथियां पड़ी है, ग्रंथि, और उस ग्रंथि में से एक एक विचार समय समय पे फूटता है। ग्रंथियां चार्ज से बनी है, अभी डिस्चार्ज होता है समय समय पे, समय समझ में आया। आज आप किसके साथ, जिसके साथ बात करते हैं तो अलग मन आएगा, विचार आएगा, फिर कल उसी व्यक्ति के साथ बढ़ेंगे तो अलग विचार आएंगे, फिर तीसरे दिन उसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करूंगे तो भी अलग विचार आएंगे। तो विचार आप दोनों व्यक्ति एक ही है, विचार अलग अलग क्यों आते हैं, क्योंकि आपके जिस प्रकार से आपके मन की ग्रंथियां लपेटी हुई है उसी प्रकार से वो निकलेगी। अभी ज्ञान दर्शन के आधार पर ग्रंथि बनती है कि हमारा यानी मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या दर्शन रहते हैं, तो ग्रंथियां बहुत होती हैं, तो सम्यक ज्ञान रहने के बाद ग्रंथियां तो कम होना चाहिए ना। ग्रंथियां, ग्रंथि, ग्रंथि कम होगी ऐसा नहीं और ज्यादा होगी ऐसा नहीं। ग्रंथि के अंदर दो भाग ही रहेंगे, मैं शुद्धात्मा हूं और बाकी सब कुदरती रचना है। और जब आपका संसारी मन होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो बहुत सारी ग्रंथियां, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, कपट की, विषय की, सभी प्रकार की ग्रंथियां उसमें होती है। और समय समय पे वो निकलती है। अभी हमारा आठवें गुणस्थानक के बाद जो परिणति में आप सिद्धांत होते हैं, तब क्या मन मन में ग्रंथि उतनी ही रहती है जैसे एक मिथ्यात्व का होता है, कि उसका मन का दूसरा स्टाइल होता है? नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं कोई भी जीव और डेवलप होता है, तो उनकी मन की जो ग्रंथियां है उनके लिए लिमिटेड सोर्सेस होता है, क्योंकि उनका जो लाइफ है अभी
वो ऐसी विनाशी अवस्थाओं विनाशी संजोगों के ऊपर आधारित नहीं है इसका ज्ञान दर्शन। तो इसीलिए उनके ग्रंथि का जो रेडियस है वो भी लिमिटेड संजोग वाला होगा। आप समझे ना? इसमें बहुत सारे ऑप्शन नहीं होंगे। आध्यात्मिक पुरुषों का जो मन होता है उनके बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं। सांसारिक मन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और एक ये बुद्धि है वो भी बुद्धि अपने ज्ञान दर्शन के आधार पर ही निर्धार करता है सही है गलत है। वो भी अपने ज्ञान दर्शन के चित्त में जो ज्ञान दर्शन है उसके आधार पर ही बुद्धि भी डिसीजन लेती है ना। हाँ, ज्ञान दर्शन के ऊपर ही आधारित है ना। हाँ, पूरा मन बुद्धि चित अहंकार ये चारों चार अपने ज्ञान दर्शन के ऊपर ही आधारित है। ठीक है सुन। ओके ओके। जय सच्चिदान। जय सच्चिदान। नरेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन। हाँ, तो वो जो सुधा बेन ने पूछा था ना इसके बारे में भी थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ। हम सुबह में बैठते हैं आंख बंद करके तो जो विचार चलते हैं तो वो मन में चलते हैं। बराबर है। तो हम उसको देखते हैं कि ये विचार आया और गया। फिर कोई विचार ऐसा है स्वामी जी कि हमारे काम का है ऐसा लगता है हमको, हमारे धंधा में उपयोगी है व्यवहार में उपयोगी है, तो फिर वो हम उसको अप्लाई करते हैं स्पीच एक्शन में, तो फिर वो कॉज पड़ेगा ना। पड़ेगा उसको समझ अलग रहे कि स्पीच एक्शन में यूज करना है कैसे करना है। नहीं, वो तो अपने आप काम करता रहेगा, वो तो मैकेनिकल है। डिस्चार्ज मन बुद्धि चित अहंकार वाणी और क्रिया ये सब डिस्चार्ज है, उसको तो टच ही नहीं करना है। बराबर। इसको ही हमको कुदरती रचना के रूप में देखना है। बराबर सर। आप समझे? हाँ हाँ हाँ। तो डिस्चार्ज के कोई भी भाग को हमको टच ही नहीं करना है, उससे तो कंप्लीटली अध्यात्म विज्ञान में अलग ही रहना है। और इसीलिए उसके अंदर से तो हमको कौन से विचार आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं। हमका हमारे पास जो अभी जो ज्ञान दर्शन अंदर दृष्टि में विद्यमान है उसी ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है पुरुषार्थ में। और निश्चार्थ के भाग तो है वो तो कुदरती रचना के रूप में निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। उसको टच करना, इसको टच करना नहीं है, इसको न बदलना है न सुधारना है, कुछ भी करना नहीं। जो भी आए उसको पास कर देने का है, जो भी विचार आए। तो वैसे तो पास अपने आप हो रहा है, हम इसको पकड़ते हैं, वो तो अपने आप आया ही चले जाने के लिए आया है। लेकिन जैसे जैसे हमने ये श्वास लिया तो वो श्वास फिर निकलने के लिए ही आया, हमको निकालना नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। बराबर स्वामी। जैसे ये एक समय जैसे एक सेकंड आई वो सेकंड जाने के लिए आई, आने के लिए नहीं आई है, फिर दूसरी आई फिर चली गई। तो ऐसे हमारा जीवन भी हर समय और जीवन के साथ जुड़े हुए मन वचन काया के हर संजोग वो जाने के लिए ही आते हैं, तो हमको इसको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं। मगर हमको इससे मुक्त रहने की जरूरत है ताकि वो संजोगों की असर हमको नहीं लगे। अगर हम जुड़ गए तो संजोगों की असर हमारे पर हावी हो जाएगी। बराबर है स्वामी। और वर्तमान
हम ऐसा सोचते हैं कि वर्तमान में रहना है, लेकिन हमारा मन का स्पीड तो इससे ज्यादा है, तो वो अलग रह के ही तो रह जाएगा ना वर्तमान में। हाँ, अलग हुए ऐसा वर्तमान है। वर्तमान का मतलब क्या होता है भाई? शुद्धात्मा तो कभी भूत भविष्य नहीं होता है, वो तो वर्तमान में होता है, उसमें नहीं होता। मन वचन का है कि हर अवस्था को कुदरती रचना देखते है, तो वर्तमान ही तो हो गए। हाँ बराबर, फिर इसमें भूत भविष्य नहीं रहेगा। जो भी जब भी संजोग देखोगे कुदरती रचना, जब भी संजोग देखोगे कुदरती रचना, जब भी संजोग देखोगे कुदरती रचना, तो पहले हुआ, पास्ट में हुआ, अभी हुआ, ऐसा नहीं रहेगा। यही तो वर्तमानता है। और मैं साक्षी हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ, दोनों एक ही है। हाँ, साक्षी भाव, वो जो साक्षी भाव की जो बात है ना, वो साक्षी भाव की बात क्यों बताई गई है? जहां तक हम मन वचन काया को कुदरती रचना, कुदरती कानून और कुदरत यानी छह तत्वों से बना हुआ है, ऐसा जब हम जहां तक वैज्ञानिक रूप से सैद्धांतिक रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो फिर शास्त्रों में उसका उत्तर दिया है कि भी आप प्रकृति के प्रकृति को साक्षी भाव से देखो। बराबर, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। बराबर, क्योंकि तो हर व्यक्ति को ये अध्यात्म विज्ञान पूरी तरह समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब समझाने वाले को ही समझ में नहीं आएगा तो सुनने वाले को तो समझ में आने का सवाल ही नहीं है। बराबर है स्वामी। और इसीलिए उनको तो जो शास्त्रों में लिखा है कि साक्षी भाव, वो ही रखना पड़ेगा, उसमें कोई साइंस की जरूरत नहीं है। बराबर है स्वामी। तो इसीलिए साक्षी भाव, साक्षी भाव कहते हैं, कोई जगह प्रेक्षा कहते हैं, ऐसा बताते हैं, कोई जगह ज्ञाता दृष्टा भी बोल देते हैं, मगर उसके पीछे जो साइंस है वो दृष्टि होना वो इम्पोर्टेंट है। शब्दों का मैकेनिकल उपयोग करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं। वो साइंटिस्ट का मार्ग नहीं है, वो थियोरिटिकल मार्ग है। बराबर है स्वामी। जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। जागरूकता रहे, बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। बस खूब खूब आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। अंजुबेन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा ना क्वेश्चन कल के एक उस क्वेश्चन के उत्तर के ऊपर है, तो ग्रहण के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ग्रहण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के ऊपर, तो उसमें आपने जवाब दिया था कि उस दिन में परमाणु, भारी परमाणु होते हैं। तो भारी मतलब परमाणु तो ब्रह्मांड में खुद ही है, तो भारी से क्या समझे, कैसे समझे, उससे थोड़ा पूछना था। भारी भारी परमाणु यानी एग्जांपल? हाँ, आपने बताया स्वामी जी, हमको तो फिर समझ में नहीं आया, तो समझने के लिए पूछ रहे हैं। आपने बोला कि जैसे ग्रहण वाले दिन ना भारी परमाणु होते हैं, आपने बताया। वो भारी, समझ गया। भारी परमाणु का मतलब होता है उस समय जो भी पाप होता है, पुण्य होता है, वो पाप और पुण्य का बंध उस समय भारी हो जाता है। आम समय में उसी प्रकार के भाव करोगे तो जिस प्रकार से उनका भाव की जो स्ट्रेंथ बनती है, वो स्ट्रेंथ ये ग्रहण के समय भारी हो जाती है। तो इसीलिए उस समय पाप और पुण्य दोनों हैवी हो जाता है, और इसीलिए लोग कहते हैं ग्रहण के समय धर्म की आराधना करो, पूजा पाठ करो, हो सके तो बाहर की चीजों के अंदर न जाओ, घूमो फिरो, ये कुछ मत करो। तो ये एक प्रकार की, हमने इसको धर्म के अंदर जोड़ दिया है, कम से कम आप धार्मिक करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, और पाप करोगे तो भी वो भारी मिलेगा। तो दोनों भारी होता है, पुण्य भी और पाप भी। स्वामी जी, वो तो समझ में आता है कि उस दिन अगर जो भी करोगे वो भारी बनेगा, पुण्य भी भारी बनेगा और पाप भी, पर उसके पीछे कारण क्या है, वो भारी उस दिन क्यों होते हैं? वैसे तो हमने सुना है, समझा है कि ब्रह्मांड में जो है ना परमाणु शुद्ध होते हैं, तो वो भारी होने का कारण क्या है, क्यों हो जाते हैं?
वैसे तो ये जो ग्रहण वगैरह ये साइंटिफिक प्रोसेस है, सूर्य चंद्र और सब आमने सामने आने से परछाई पड़ती है तो वो भाग में ग्रहण बोलते हैं, तो इसका कारण मेरे को जानना था। ये तो मैंने पहले भी जाना है कि भी उस दिन भारी कर्म बनते हैं जो भी करोगे आप, अगर पूजा पाठ करोगे तो पुण्य भारी बन जाएगा और फिर दूसरी क्रिया करोगे, तो वो तो समझ में आता, पर उसके पीछे कारण जानने की था कि क्या है कारण। जैसे कारण क्या होता है मैं बताऊं आपको, जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो वहां के परमाणु, और हम मंदिर में जाते हैं वहां के परमाणु, दोनों परमाणु इक्वल होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो जो वहां पर एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी के आधार से हो रहा है वो सब, कि वहां पर हमारे जो भाव होंगे वो दूसरे तरह के होंगे और मंदिर में दूसरे तरह के होंगे, वो वातावरण का असर होगा वो हमको। हाँ, धार्मिक माहौल है ये आपको बोलना पड़ेगा, दुनिया में स्पेस तो एक ही है ना, मगर आपको बोलना पड़ेगा कि वातावरण की असर। हाँ, तो उस दिन अलग जो मंदिर में स्पेस है वही थिएटर में स्पेस है, बराबर है? हाँ जी, स्पेस तो एक ही है ना। हाँ जी, मगर दोनों का एनवायरनमेंट अलग है। ऐसे ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट और ये ग्रहण का एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट डिफरेंस है बस। तो एनवायरनमेंट डिफरेंट होने से वो परमाणु भारी असर ज्यादा करते हैं, वो जो भी करोगे उसमें असर ज्यादा करते हैं। सही बात है, जैसे दिन में कोई वेकअप होता है, सुबह उठता है आदमी, तो उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं, काम करने की तमन्ना होती है, कुछ करने की तमन्ना होती है, कुछ पाने की तमन्ना होती है, एक प्रकार का उत्साह भी होता है मन के अंदर, तन के अंदर। मगर जब रात को 9, 10, 11 बज जाते हैं तो मन भी थक जाता है कि बोला रिलैक्स हो जाओ, शरीर भी कहता है कि हम रिलैक्स हो जाए, ये सब कुछ तो ये एनवायरमेंट है। क्या है स्वामी जी, ग्रहण के कारण ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, परमाणु भारा हो जाता है। बस ग्रहण के कारण ही तो बताता है ना, ग्रहण के कारण ही ऐसे एनवायरनमेंट बनता। ग्रहण तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें ऐसा एनवायरनमेंट ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे भारी हो जाता है उसका? ये मैंने कहा ना कि ये एनवायरनमेंट की इफेक्ट होती है, जैसे सुबह की इफेक्ट होती है अलग और रात की इफेक्ट अलग होती है, होती है या नहीं होती है? हाँ, रात को तो वो है ना कि थका होता है इंसान, तो फिर वो तो थोड़ा वो दूसरा होता है, सुबह फ्रेश होता है, वही तो सोके उठा है तो फ्रेशनेस होती है, तो उसका होता है, वही तो कहते हैं ना, वही तो कहते हैं। और हमारे समाज में व्यवहार में भी, हमारे समाज में व्यवहार में भी कहा गया है कि हो सके जना रात को बिना काम बाहर निकलना अच्छा नहीं है सबके लिए, मगर सुबह किसी को ही नहीं कहेगा कि सुबह 6 बजे क्यों बाहर निकलते हैं, वो गलती नहीं कहेंगे, मगर रात को 12 बजे बाहर निकलेंगे तो कहेंगे क्यों, काम नहीं है तो जरूरत नहीं तो क्यों निकलते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो वो एनवायरनमेंट हो गया ना, मतलब कह रहा कहने का मतलब एनवायरनमेंट ही तो हुआ ना। वो तो रात को एक प्रक्रिया, एक सिस्टम बनाया गया, रात को बाहर नहीं जाना है तो बाहर जाएंगे तो आराम करने का वो टाइम है, तो इसलिए प्रक्रिया की बात नहीं करता हूँ मैं प्रक्रिया की बात नहीं करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात के अंदर या दिन के अंदर ये दोनों जो अवस्था है, वो दोनों अवस्था में संजोग अलग अलग होते हैं, और संजोग के आधार से लोगों को विचार भी अलग अलग आते हैं, भाव भी अलग अलग होते हैं। तो दिन होता है, मैंने पहले भी कहा, जब 6 बजे आप वेकअप करोगे तो आपको उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, कुछ करने की तमन्ना रहेगी, और रात को ऐसा नहीं रहेगा, वही आपका शरीर है, वही आपका मन है, वही आपका आत्मा है, संजोग बदल गया। हाँ स्वामी जी, अब समझ में आ गया कि वो संजोग अलग हो गया, वो ग्रहण का संजोग अलग हो गया, इसकी नॉर्मल वही तो मैं कहना चाहता हूँ।
अभी आप कहोगे, अभी आप कहोगे कि भी मैं मेरी शादी हो रही है और इस उस समय जो मेरे मन में जो तरंग आते थे वो अभी शादी के बाद 10 महीने के बाद या 10 साल के बाद क्यों नहीं आते? नहीं आएंगे, संजोग बदल गए ना। आप तो वही के वही है, संजोग बदल गए ना। तो इसको इस तरह से समझना है कि जो ग्रहण का संजोग वो डिफरेंट संजोग है, तो डिफरेंट संजोग होने से फिर वो वातावरण डिफरेंट है, उस डिफरेंट वजह से हमें थोड़ा जो भी हम भाव करेंगे वो भारी बनेंगे, भारी कर्म बनेगा, ऐसे ये समझना चाहेंगे, ठीक है? हाँ, तो वो ग्रहण का टाइमिंग भी डिसाइडेड है कुदरती कानून के मुताबिक, और हमारा लाइफ का संजोग भी कुदरती कानून के मुताबिक ही डिसाइडेड है, हम डिसाइड नहीं करते हैं। तो हाँ जी, तो हाँ जी। और ये इसी तरह से जैसे पूर्णिमा और अमावस्या रहता है तो उस दिन भी कुछ डिफरेंट रहता है, तो उस दिन भी हमारा अगर हम जो भी करते तो अमास को भारी बोलते हैं, पूनम को अच्छा बोलते हैं धार्मिक कार्यों के लिए। अमास के लिए कहता है कि व्रत जप तप करो, हाँ जी, ऐसा होता है। और कोई भी पूर्णिमा के दिन कोई भी काम करना सही बताते हैं, यदि ये दिन कोई नया काम करो तो पूर्णिमा का दिन अच्छा होता है। हाँ। इसीलिए कोई भी अच्छा काम करना है तो अच्छी बात है, ये कुदरती रचना के मुताबिक अच्छा दिन, ऐसा हमारे शास्त्रों में ही बताए गए हैं, हमारे धर्मगुरु भी कहते हैं, क्योंकि उस समय माहौल अच्छा होता है। इसके पीछे मतलब साइंस क्या है? ये सिर्फ धर्म ग्रंथों में और धर्म गुरुओं ने माना इसीलिए कि सिर्फ साइंस भी है, इसके पीछे एक्चुअली क्या है? साइंस है ना? देखो, कोई भी इंसान वातावरण की इफेक्ट के बिना नहीं हो सकता है। जो आम इंसान है वो वातावरण की असर से मुक्त नहीं हो सकता है, आप समझे ना? वातावरण की असर होती है इंसान पे, और वही वातावरण की हम बात करते हैं। हाँ जी, समझ में आया था जी, थोड़ा देर में समझ में आया, सॉरी, समझ में आया था जी। जय सचिदानंद, जय सौर भाई, जय सचिदान सर, जय सचिदान। मेरा क्वेश्चन मन के बारे में, कुदरती रचना में मन डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज मन में विचार आते और विचार संजोग हो जाते, दोनों फंक्शन है, तो एक ग्रंथि में से निकलते हैं दोनों विचार, आते हैं और संजोग हो जाते हैं, दोनों विचार एक ग्रंथि में से आते हैं, ग्रंथि में से आते हम करते नहीं, आते अपने आप आते, आते ही रहते कुछ नहीं करोगे क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। संजोगवत कभी करना पड़ता है, सपोज हम काम करना है तो हम विचार करते हैं काम के टाइम, ये काम करना है, वो हमको ऐसा लगता है कि संजोगों के आधार से हमको काम करना है तो हम विचार करते हैं ऐसा लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं है, डिस्चार्ज है। विचार करते हैं उस समय भी विचार हो ही जाता है क्योंकि संजोग भी कुदरत ने दिया, विचार ने भी कुदरत ने दिया, और विचार जो भी दिया वो क्यों दिया, वो ही आपके कर्मों के भुगतान के मुताबिक दिया। अगर एक व्यक्ति बिजनेस करता है, इसको लॉस होना होगा, तो विचार करते करते ऐसा ऐसा सौदा करेंगे उसमें लॉस ही होगा, विचार करते करते। और एक व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो वही विचार करते करते प्रॉफिट होगा, इसको सौदा करेंगे तो हमने कहा इतना सोचने के बाद भी लॉस क्यों हुआ? नहीं, ये सोचा नहीं है, ये आपने गलती नहीं किया है, आपको लॉस होना है तो उसी प्रकार से आपकी सोच भी रहेगी। राइट। और सेकंड थिंग है, जो अपने स्मृति है, ऊंगे सपना है, डाउट शंका है, कल्पना है, वो मन उसके साथ मन का क्या रिलेशन है? स्मृति, स्लीप, सपना, शंका और कल्पना, पांचों चीज मन के साथ क्या है, उसका रिलेशन है? सबका मन जो नींद में जो मन होता है वो एकदम साइलेंट मोड में होता है, ज्यादा सोचता नहीं है, मगर जब मन भय अवस्था में होता है तो वो ज्यादा सोचता है।
नंबर दो, ये दो नंबर, नंबर तीन, मन जब ज्यादा सोता है कुछ थिंकर होते हैं तो भी ज्यादा सोता है। कुछ प्राप्त करना है, नॉलेज कहो एजुकेशन कहो, तो भी ज्यादा सोता है। और जो व्यक्ति को कुछ पाना नहीं है, कुछ प्राप्त करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो उनका मन भी ऐसे नॉर्मल साइलेंट मोड में ही होता है। और एक ही व्यक्ति का जो एक्टिव माइंड है उसको दूसरे संजोग में इनएक्टिव होता है। राइट। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, तो चार्टर अकाउंटेंट की बात आएगी तो आपका मन ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि आपका फील्ड है। मगर कोई डॉक्टर की बात करेगा तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे, नहीं डॉक्टर जो कहेंगे वही सुनना है, हमको अभी ज्यादा सोचना नहीं है। तो सबका अपना अपना फील्ड होता है, उसमें ज्यादा थिंकिंग होती है और फील्ड के बाहर होता है तो वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो स्मृति, उसमें उसको स्मृति बोलते हैं क्योंकि सपोज हमने ये काम करना है तो याद आता है तो स्मृति, उसको स्मृति बोलते हैं। तो स्मृति, स्मृति किसको बोला जाता है कि जो कुछ हो गया है वो अभी याद आना, इसको स्मृति बोलते हैं। जो हो गया है वो याद आता है तो हम कहते हैं अभी हमारे स्मृति में है या तो मेरी स्मृति में नहीं है, मेरी स्मृति में से निकल गया। कोई संजोग बनता है, कोई व्यक्ति का नाम कहो, कोई जगह का नाम कहो, तो कभी नहीं कहते मेरी स्मृति में से निकल गया और अभी ये मेरी स्मृति में 20 साल 40 साल हो गया तो भी। तो ये जो प्रसंग हो चुका है इसको अभी याद करना, इसको कहते हैं स्मृति। तो वो स्मृति जो आती है वो पूरी खत्म होने के बाद उसमें कर्म नहीं बनती, जाने के लिए आती, उसका मीनिंग ऐसा होता है। वो भी कुदरती रचना ही है, याद आना नहीं आना सब कुदरती रचना है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम इसको याद करते हैं, याद करते नहीं है, याद आता है अपने आप, नहीं भी याद आता है तो हमारे बस की बात नहीं है। स्मृति के बारे में क्या है, कभी कभी नहीं याद करने का भी बार बार याद आ जाता है, नहीं करना है तो भी, और कभी कभी याद करते हैं तो भी याद नहीं आता है। तो ये स्मृति हमारे हाथ में नहीं है, वो भी कुदरती रचना यानी डिस्चार्ज के फॉर्म में डिसाइडेड है। उसमें तो जॉइंट होने का सवाल ही नहीं होता, स्मृति याद आती वो चली गई तो उसमें कर्म बनते नहीं ने? नहीं, कर्म तो बनेगा, आप इसमें अटैच हो जाओगे फिर नए भाव करोगे तो आपको आपको तो फिर कर्म बनेगा। कर्म तो भाव से बनते हैं ना, चाहे फिजिकल बने चाहे स्मृति आए, मगर आपने राग द्वेष किया है तो कर्म तो बनेगा ही नहीं। सपोज सबको जब प्लेस देख के आया तो बाद में याद आया तो वो तो चला गया, बाद में उसमें जॉइंट होने का कोई सवाल ही नहीं होता। मेरा कहना हो गया तो कोई भी स्मृति के अंदर अगर आपको राग द्वेष नहीं होता है तो कोई प्रश्न नहीं है, मगर कोई भी पुरानी चीज भी याद आ गई और उसमें राग द्वेष आज भी हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। ओके। और ये स्वप्न, शंका और कल्पना, ये तीनों तीन मन के साथ कनेक्शन है कुछ उसका? स्वप्न, शंका और कल्पना। कल्पना, हाँ। सपना, सपना वो तो कर्म फल है। कनेक्टेड विथ मन और नॉट, वो तो मन के साथ तो कनेक्टेड है ना। तो डाउट भी मन के साथ कनेक्टेड है, शंका है, डाउट वो भी तो मन है ना, डाउट करता है या एक्सेप्ट करता है वो भी तो मन है ना। शंका के मन, मन का स्वभाव में ये सब कुछ इंक्लूड है, विचार आना सिर्फ कोई भी टाइप का विचार आ सकते है, शंका के बारे में, कल्पना के बारे में, के सपनों में, के कोई भी, दैट मींस कि मन में सब इंक्लूड है। हाँ, क्योंकि देखो आपने ये प्रश्न किया कि हमारे जीवन की हर अवस्थाएं विचारों के साथ जुड़ी हुई है, या उससे आप डिफरेंट सोचो, अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट माइंड का होता है तो क्या होगा वो सोचो अभी आप, तो उनकी लाइफ कैसी होगी, तभी आपको मालूम होगा कि व्हाट इज द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ द माइंड इन अवर लाइफ। राइट। तो इसीलिए हर क्रिया के साथ अपना मन जुड़ा हुआ है,
तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम प्रेजेंट माइंड में हैं। एब्सेंट माइंड का मतलब होता है कि जो सिक्वेंस ही होती है मन में, उसके वो एब्सेंट माइंड वाले को भी माइंड तो होता है मगर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। करते कुछ है, विचारते कुछ है, बोलते कुछ है, तो देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। तो उसको कहेंगे अपसेट बोलेंगे। सुधा जी ने जब मन के बारे में पूछा था, इसके में मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मन सिद्ध ग्रंथि मीन्स इस सब थिंग उसमें है, ओनली थॉट्स आना और करना ये नहीं, ये सब चीज उसमें है, इंक्लूड है नहीं, स्मृति ऊंग स्वप्न संकल्प कल्पना सब नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या होता है, मन जो है ये पावर मन का है। हमारे जीवन में जो कुछ भी सफरिंग आता है, सफरिंग हम मन से ही भुगतान करता है, क्योंकि मन के पास विचारों की बिलीफ है। अगर मन नहीं है तो फिर असर कैसे होगी आपको, वो भुगतान की असर कैसे होगी? Right. तो इसीलिए मन तो पावरफुल है, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और वो ही मन को हमने अगर अध्यात्म में लगा दिया तो वो ही मन उसी फील्ड में काम करेगा। इसीलिए पहले मनोबल बोलते हैं, फिर आत्मबल बोलते हैं। मनोबल का मतलब होता है संसार की हर चीजों में अपने आप को स्थिर रखना, इसको मनोबल कहते हैं। और आत्मबल का मतलब होता है अपने आत्मा में हर समय अपने आप में ही विश्वास रखना, अपने आत्मा के अंदर, वो आत्मबल है। आत्मबल कभी परिवर्तन नहीं होता है, मनोबल अप्स एंड डाउन्स होता है। That means कि दर्शन में मन का इंपॉर्टेंट रोल है, चित से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मन का है। नहीं, चित से ज्यादा मन का रोल नहीं है। चित वो तो ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन सबसे बड़ा है। ज्ञान दर्शन के बाद आता है मन, क्योंकि आप जिस प्रकार से ज्ञान और दर्शन की बात करते हो, वो ज्ञान और दर्शन भी तो एक प्रकार का आपका अभिप्राय है। क्या है? अभिप्राय। हाँ, तो वो अभिप्राय से ज्ञान दर्शन बना है। मन मन के ऊपर कंट्रोल करने के बाद ज्ञान दर्शन होता है। तो ज्ञान दर्शन वो आपका विजन हो गया। मन वो फिर थॉट हो गया। बुद्धि जो है वो प्रकाश है, वो प्रकाश के आधार से वो फील करता है कि भाई हमको लाभ होगा, नुकसान होगा, लाइक डिसलाइक, पसंद ना पसंद, जो भी। अहंकार तो फिर उसमें साइन करता है बुद्धि के मुताबिक। तो ऐसा है, तो सबका अपना अपना रोल है। नहीं, रोल तो बराबर, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, अभी चित ज्ञान दर्शन आता है तो मन के ऊपर कंट्रोल होने के बाद ज्ञान दर्शन क्लियर होता है। मन मन जो होता है और ज्ञान दर्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका ज्ञान दर्शन जो चित्त में ज्ञान दर्शन है वो तो डिस्चार्ज के रूप में है, और आपका मन है जिसमें विचार आते हैं वो भी डिस्चार्ज के रूप में, आपकी बुद्धि भी डिस्चार्ज के रूप में, आपका अहंकार भी डिस्चार्ज के रूप में है। तो ये इसके आधार से ये संजोगों और संजोगों की भुगतान होती है। मगर जब चार्ज होता है तब हमको मालूम होता है, पहले ज्ञान दर्शन होता है, उसके आधार से मन बनता है, उसके आधार से बुद्धि, उसके आधार से अहंकार, और उसके आधार से स्पीच और एक्शन का बीज होता है। अभी आपने जो बोला ज्ञान दर्शन के आधार पे मन बनता है। हाँ, फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन बीइंग में आता है नेचुरल, तो इस टाइम तो मन डेवलप नहीं हुआ। नहीं, वो तो डेवलप तो हुआ है, पांचों इंद्रियों को पास करके आया है। मन कैसे बना होगा, ज्ञान दर्शन तो वहां तो नहीं है। नहीं, ज्ञान दर्शन तो है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में हर में ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन के बिना तो इंद्रिय ज्ञान का अनुभव कैसे होगा? तो मगर वहां जो भी अपना मन बुद्धि चित अहंकार है वो चारों कैसा किस फॉर्म में है, तो कैसे आहार भय मैथुन निद्रा, ये चार की जो जीवन जीने की जो नेसेसिटी है उसके आधार पे काम करता है। जब बुद्धि आता है तो उसकी रेंज अनलिमिटेड हो जाती है।
यहाँ लिमिटेड है, तो वहां प्रतिष्ठित आत्मा लाइव होता है, वहां प्रतिष्ठित आत्मा होता है मगर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इतना एक्ट, क्योंकि उनके पास रेंज लिमिटेड है ना, आप समझो, उसके पास रेंज लिमिटेड है। मेरे को खाना मिल गया तो उनको शांति हो गई, मेरे को आराम करने का मिल गया, शांति हो गई। एक्टिव से लिमिटेड एक्टिविटी से यानी लिमिटेड, इसको कहते हैं संगना, और बुद्धि को कहते हैं अनलिमिटेड, राइट। वहां जीवन जीने की नेसेसिटी की बात है, यहाँ नेसेसिटी प्लस अपनी इच्छाएं कहो, अपनी रिक्वायरमेंट कहो, अपनी अपेक्षाएं कहो, ये सब कुछ इतना बढ़ जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, राइट। तो प्रतिष्ठित आत्मा लाइव मनुष्य देह में होता है और लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, और अब अदर योनि में जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो लिमिटेड लाइव होता है। नहीं 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 नहीं, लिमिटेड लाइव नहीं होता है, वहां संगना के रूप में काम करता है। ओ सॉरी, संगना के रूप में, लाइव संगना के रूप में, बराबर, राइट, संगना के रूप में। और ओके, ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हरीश भाई सेठी, हाँ, जय सच्चिदानंद, हेलो, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा एक मेरा प्रश्न है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि मन वचन का यह सब फिक्स है। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। तो फिर मतलब अभी जैसा इन्होंने बोला कि आप बोलते हैं कि समझो रात को 12 बजे नहीं जाना चाहिए, या पूनम के दिन हमको अच्छा काम करना चाहिए, तो ये भी तो फिक्स ही होगा ना सर, कि बोलने की जरूरत, तो बोलने का मतलब उनका बोलने का जरूरत क्या है? अगर सभी चीज फिक्स है तो आप बाहर मत जाओ, या अगर उनको जाना है तो 12 बजे निकल जाएगा, अगर उनको पूनम में अच्छा काम करना है तो कर लेगा। नहीं, मतलब हमारा बोलने का क्या प्रयोजन हो गया? बोलने का प्रयोजन, करने का प्रयोजन, सोचने का प्रयोजन, ये जो हम कहते हैं ना, वो सबका फिक्स है, सब प्रयोजन भी फिक्स है, तो हम लोग सब अभी ऑटो मोड में है, मतलब बस जैसा मशीन, रॉबर्ट मशीन के जैसे हम लोग चल रहे हैं, अभी हम आपसे बात करेंगे फिर जाएंगे, ये सब फिक्स है। हाँ, तो हमारा पूरा लाइफ है वो रॉबर्ट मशीन जैसा ही है, हमारे पास कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, वो भी रॉबर्ट की तरह काम करती है, अगर हम खुद श्वास लेते हैं तो रात को नींद नहीं आ सकती है। हाँ, तो अभी लेकिन आप बोला कि आप अपना आत्मबल बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ, तो लेकिन आप तो बोले हैं, लेकिन वो भी तो फिक्स है ना स्वामी जी? हाँ, मैं बोला वो फिक्स है, मगर आपने सुन के जो समझा वो फिक्स नहीं है, यानी अंदर का पुरुषार्थ फिक्स नहीं है, बाहर का परिणाम फिक्स है, पूरे अच्छा। दुनिया में जो कुछ दिखता है मन वचन काया और उनकी अवस्थाएं, वो किसी की, चाहे राम की है, कृष्ण की, महावीर की है, सबके फिक्स है, मगर अंदर का जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ किसी का फिक्स नहीं है। अच्छा, जैसा आप बोल रहे कि बाहर जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसा काम करने के लिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, हम लोग सोच के अच्छा कर्म कर रहे हैं, या आप जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो बुरा कर्म जो हम लोग बाहर कर रहे हैं, वो भी फिक्स है? सब कुछ फिक्स है। अभी हम समझो बुरा कर दिया, फिर हम लोग क्षमा याचना करते हैं, तो फिर मतलब वो अभी फिर, लेकिन आप बोलते हैं अगर सुबह अगर आप कुछ गलती कर देते हो तो आपको क्षमा याचना करना चाहिए, अगर वो फिक्स है तो फिर क्षमा याचना क्यों करें? तो हमारे आध्यात्म विज्ञान में क्षमा याचना को भी उदय कर्म ही बताया गया है। अच्छा, क्योंकि दादा भगवान नहीं करते, वो भी उदय कर्म बताया गया है। वो दादा भगवान ने वो कुछ नौ चीजें बताई थी, ये चीज करना है, तो फिर उसका क्या हो गया? वो ठीक है, वो बिगिनिंग स्टेज के अंदर जैसे बच्चे को पढ़ाना होता है, ऐसे बिगिनिंग स्टेज में कई प्रकार की प्रक्रिया एक इंसान को, व्यक्ति को डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी होती है, मगर वो धीरे 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 उसको जब रहस्य मालूम हो जाता है तो बाद में उसको मालूम हो जाता है कि हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं करना है,
उससे सेपरेट होने में करना है। लेकिन फिर एक बात है स्वामी जी, आप बोलते हैं कि मालिकीपन और कर्ता भाव वो हमें नहीं होना चाहिए। हम डूअर नहीं है और हम एक कोई ओनर नहीं है, तो okay. वो भी सोचने के लिए भी तो वो भी तो फिक्स ही है ना स्वामी जी। हाँ, तो रिलेटिव सत्य में तो सब फिक्स है, मगर अंदर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर ये प्रकृति की कोई भी संजोग की ओनरशिप डूअरशिप जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी से तो उनको राग द्वेष बनेगा। नहीं, आप अभी हम समझो, हम तो अभी सोच रहे कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ या मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, बराबर है स्वामी जी? लेकिन ये सोचना भी फिक्स है ना हमारा? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आपके अंदर दो प्रकार के मन है, एक डिस्चार्ज मन है, एक चार्ज मन है। डिस्चार्ज मन वो डिस्चार्ज परिणामों के साथ जुड़ा हुआ है, और चार्ज मन नया चार्ज करने के साथ जुड़ा है, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में आएगा। ये जो कर्तापन और जो मालिकी बन के मैं बार बार सोचता, समझो हर टाइम तो नहीं रह पाता उस स्थिति में, जब तो दो हर घंटे के बाद या शाम को, भाई ये जो भी किया है मैं करने वाला नहीं हूँ, ये निमित्त मात्र, शाम को हम सोचते हैं, दिन भर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने किया, शाम को सोचते कि भाई ये सब मेरा नहीं है, मैं निमित्त। तो ये जो सोच है वो अलग मन सोचता है कि ये भी मतलब जो मेरा विचार फिक्स। हेलो हेलो, हाँ हाँ सुनता हूँ। हाँ वही, मतलब अभी जो समझो, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये कर्तापन जो मेरा है, दिन में तो हमारे माइंड में नहीं चलता कि हमने किया, हमने मेहनत किया, वो किया, फिर शाम को आके मैं शांत होता हूँ तो फिर बोलता कि जो भी हुआ मैंने नहीं किया है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो ये जो विचार है ये भी रिलेटिव में आता है कि दूसरे मन का काम है? बताओ बताओ। देखो, संजोगों के साथ जो विचार जुड़े हुए हैं ये सब डिस्चार्ज है, और कोई भी अवस्था में सार निकाल के सोचते हैं वो चार्ज मन है। अच्छा, आप समझे? सार निकालते हैं, सार समझते हैं? हाँ समझ गए कि ये क्या हुआ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। That's it. तो ये सार निकालना, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं, मगर हो जाता है परिणाम वाला है, मन भी, बुद्धि, चित, अहंकार, भाषा और वर्तन सब। मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम लोग कार्य करते हैं गुरुजी, वो फिक्स है। वो सुबह फिक्स है। आज समझो सुबह उठ के मुझे अंधेरी जाना है तो मैं अंधेरी जाने वाला हूँ। और गुरुजी ये आप ये आत्मा के बारे में, सब आत्मा तो कोई वस्तु नहीं है ना, आत्मा का अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं। एक तो बोलते हैं कि वो हृदय में रहता है, एक बोलते हैं कि वो तीन दो नेत्र के बीच में रहता है, और कोई बोलता है कि सर के बाल से नीचे नखून तक आत्मा का ये रहता है, और कोई नाभि में रहता है बोलता है। तो इसमें अलग अलग लोग अलग अलग चीज क्यों बोलते हैं? जिसको जिसके पास जैसा ज्ञान है वैसा बताएंगे ना। अच्छा, बट एग्जैक्टली एक्चुअली क्या होता है ये? एग्जैक्टली तो वो नाभि में होता है और पूरे शरीर के अंदर वो प्रकाशित होता है। हाँ मतलब, लेकिन हमारे सर, और जब केवल ज्ञान होता है तो यहाँ सर पे से निकलता है, दैट्स इट। अच्छा, तीन बात मैंने बताई, तीन बात बताई। पहले उसका अस्तित्व नाभि में है, उनका प्रकाश की रेडियस पूरे शरीर के अंदर आवृत है, पूरे जहाँ बाल टच करते हैं आपको स्पंदन होता है, वहाँ आत्मा का प्रकाश है, यानी पूरी बॉडी के अंदर आवृत है प्रकाश। और तीसरा, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो आत्मा शरीर के ऊपर के भाग से ऊपर जाता है, फिर वो पीछा नहीं जाता है। आम आदमी मरता है तो इसको ये पांच, ये कर्मेंद्रिय जो है ज्ञानेन्द्रिय है, वो ये ज्ञानेन्द्रिय उसके आधार से और कर्मेंद्रिय के आधार से जो हमारे बॉडी में होल है उसमें से निकलता है, यानी तिरछा निकलता है, जिससे आपका रिबर्थ होता है। ऊपर से यहाँ जाने का मतलब होता है उसका मोक्ष होता है। तो ये मैंने आपको तीन बात एनर्जी ऊपर से निकल जाता है कि ये सर के जो
ब्रह्मांड से आता है बोलते हैं, तो ऊपर से एनर्जी ऊपर से, हाँ, तो उनका उनका स्वभाव ही उद्वगमन है। मगर अच्छा। जब इसका जब कोई कर्म नहीं बचा हुआ है तो सीधा जाएगा, कर्म बचा है तो तिरछा जाएगा, क्योंकि उसको रीबर्थ लेना है। अच्छा, क्या सदगुरु हमारे जो पहले के कर्म है वो काट देते हैं क्या? सदगुरु का खुद का भी कटता नहीं है। रामकृष्ण मायूर को भी अपना कर्म भुगतान करना पड़ता है, वो आपको मालूम है। अच्छा, वो तो आपसे सुना है, लेकिन कोई बोलते हैं कि जब पूर्ण ज्ञानी के शरण में आओ तो आपका जो संचित कर्म है वो गट जाता है, खाली आपका प्रारब्ध रह जाता है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा इस जन्म। इसमें क्या सच्चाई है गुरुदेव? देखो, बोलने का तो आसान है, कोई कुदरत का कानून ऐसा नहीं है कि मैं कर्म बनाऊं और दूसरा मिटा सके। अगर ऐसा होता तो रामकृष्ण मायूर को कर्मों की भुगतान नहीं भुगतनी पड़ती। मतलब वो तो प्रारब्ध भोगना पड़े, लेकिन संचित कर्म मिटता है कहते हैं, वैसा बोलते हैं जो मतलब जो लेके आया है वो तो। आप संचित बोलोगे, प्रारब्ध बोलोगे, फिर आपको दोनों की एक एक सेंटेंस में आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। डेफिनेशन समझते हैं ना? डेफिनेशन समझ गए, वन सेंटेंस। ओके, बताइए। नहीं, संचित मतलब जो हमारे अभी ये इसमें अभी जो ये लाइफ में जो हमको भोगना है वो नहीं है, और मतलब पैकेज में जो प्रारब्ध है और जो बचा हुआ है समझो अगले जन्म के लिए वो संचित। अगले जन्म का कर्म तो अभी ये जन्म में बनेगा। अगर आपका संचित कर्म खत्म कर देंगे, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। संचित कर्म तो अभी आप बना रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्टिल ओके। मगर अलग अलग प्रकार की भाषा बताई गई है। हाँ, बराबर है। इसलिए मैंने कहा कि शास्त्रों के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो गलत नहीं है, मगर उस जमाने में उस व्यक्तियों की सोच के आधार से लिखा गया है। तो इसीलिए अगर कोई भी बात आपको समझना है तो वर्तमान अनुभवी ज्ञानी पुरुष है अभी की भाषा में, अभी के एग्जाम्पल के आधार से आपको समझ में आए ऐसी भाषा में बात करेगा, तभी आपको ये आध्यात्म विज्ञान या कुदरती कानून या सनातन सत्य समझ में आएगा। किताबों में पढ़ने जाओगे तो नहीं समझ। लेकिन अगर इस मार्ग में आने के बाद हम दो चार किताब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा ऐसा बताते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्वामी। वो तो क्या करेंगे हम। तो लेकिन अगर हम इस ऐसा जैसा आप बोलते हैं वैसा अगर हम सोचते हैं तो फिर हम तो मुक्त हो जाते हैं, कोई करने वाला भी मैं नहीं हूँ और बोलने वाला भी वो नहीं है, तो मतलब हमारा तो कुछ रोल ही नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं, मतलब हम तो फ्री हो जा रहे हैं वैसे ही। तो वैसे भी तो फ्री है ना, मैंने पहले भी कहा कि आपको श्वास भी मैंने पहले भी कहा कि आपको श्वास भी आपकी स्वतंत्र शक्ति से लेना नहीं है, इतना भी परिश्रम नहीं करना है आपको, तो और क्या परिश्रम करना होगा आपको बताइए। लेकिन हम लोगों को लगता है कि हम करते हैं तो ऐसा मान्यता है तो हम क्या करेंगे। लेकिन पूरा जाता है ना स्वामी जी, वो थोड़े थोड़े बीच बीच में हम लोग ये हो जाता है, लेकिन फिर से मैं आ जाता है बीच में। भले ही आ जाता है कोई बात नहीं, मगर ये विज्ञान का अपनी दृष्टि से बार बार उपयोग करके अपने को सेंटर में आके अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखने का बार बार प्रयास करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका ज्ञान और दर्शन दोनों परिपक्व होता जाएगा। इसमें क्या ब्रह्मचर्य रहना भी जरूरी है क्या गुरु जी? ब्रह्मचर्य का पालन कर, ब्रह्मचर्य तो आप लेकर आए हैं तो कर सकते हैं, नहीं लेकर आए हैं तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ इसमें हमारे जो डेवलपमेंट में कोई हानिकारक चीज नहीं है? देखो, डेवलपमेंट में हानिकारक चीज होती है तो फिर कृष्ण भगवान को तो हम ज्ञान ही मानते हैं, फिर 16,000 रानियों की क्या जरूरत थी उसको? वो तो बोलते हैं उनका कुछ फिक्स तो हमको मालूम नहीं है क्या है। एक बाजू बोलते भी है, कभी कभी किताब पढ़ते हैं तो मानते भी है, वो तो हमने देखा नहीं है, टुकड़े को नहीं मानोगे ऐसा थोड़ी होता है, या तो नहीं मानो तो पूरा नहीं। राम का तो चलो समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का तो 16,000 तो फिर वो सोचना पड़ता है। नहीं, मतलब मैं कोई अमाउंट में नहीं जाना चाहता, मेरा कहने का मतलब है
उनको बहुत सारी अपनी पत्नियां थी, ऐसा तो हम मान सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर अमाउंट, मैं ऐसी नॉर्मल बात करता हूँ, वैसे नहीं कि मैं सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में बात करूंगा, ऐसा भी नहीं है। ऋषभदेव भगवान जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है, प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव भगवान, उनको भी 102 पुत्र थे, 100 पुत्र और 2 पुत्री। तभी उनका आयु भी बहुत लंबा लंबा रहता था ना स्वामी जी। अभी आपने बीच में आयुष ला दिया, कैसे भी करके ऑप्शन ला देते। जब आपने रामचरण का प्रश्न किया तो मैंने क्या कहा कि उसका कितना बच्चा था, अभी आपने आयुष ला दिया, यानी कितना आयुष ज्यादा इतना बच्चा ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कहते ऐसा नहीं बता पता। तो फिर आप कैसे उसको मोड़ देते हैं? ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य, आपका लाख साल का आयुष तो भी एक बच्चा नहीं हो सकता है, 10 साल का है तो भी 10 बच्चा हो सकता है, उसमें मतलब क्या है? तो मतलब ब्रह्मचर्य का इससे कोई लेना देना वैसा नहीं है तुम्हारे जो सोशली फिजिकली इट इज गुड। हाँ हाँ जी, व्यवहार से अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, मनोबल, स्पीच और हमारा बॉडी उससे अच्छा रहता है, उसको मैं मना नहीं करूंगा, उसका बेनिफिट कहता हूँ। इसको अध्यात्म से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अच्छा ओके, लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो ऐसा वैसा इसकी वजह से। देखो देखो आप सिंपल बात समझो, ये जितने भी तीर्थंकर हैं, अपवाद को छोड़ के सभी तीर्थंकरों ने शादी किया था। मैं लास्ट नंबर की बात, थोड़ा कम समय के लिए साथ रहते थे, बाद में तो देखो अभी आपने कम ज्यादा किया था, कम समय के लिए शादी किया था कि नहीं, इतना तीर्थंकरों ने बहुत हो गया। वो तो किया किया किया, क्या राम ने किया था शादी? किया था। कृष्ण ने किया था? किया था। महावीर ने किया था? किया था। दादा भगवान ने किया था? हाँ किए थे ना। श्रीमद राजचंद्र ने किया था? उन्होंने किया था, इतना नहीं कि उन्होंने भी किया था। जो जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम ज्ञानी मानते हैं, वो शादी करेंगे, और हम उनके फॉलोअर से उसको शादी नहीं करने का, ऐसा नहीं। शादी मीन्स एक लिमिटेड ये होना चाहिए, वैसा मेरा कहना। नहीं मैं लिमिटेड के अनलिमिटेड की बात नहीं करता हूँ, मैं तो आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि आप सोचो कम से कम। राइट, अगर शादी इतना डेंजरस होता है तो वो क्यों करते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, शायद वो भी फिक्स होगा उनका। नहीं नहीं अभी आपने फिक्स बोल दिया, मैंने कहा फिक्स तो परिणाम के रूप में होगा, मगर बीज डालेंगे तो फिक्स होगा ना। बराबर Right. तो अगर आप और हम अगर ज्ञानी है और हम समझते हैं कि हमको शादी नहीं करना चाहिए, तो क्या वो अज्ञानी थे? अगले अवतार में इसीलिए भी डाला था? हाँ नहीं वो नहीं पता, कोई कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है स्वामी जी, धीरे धीरे समझ में आएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी एक कविराज का एक पद रख दो। वचन बल नु जीव तू जाग तू वरदान छो परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान छो वचन बल नु जीव तू जाग तू वरदान छो परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान छो Thank you.
पूर्वनी दिशा छो जगत नी बला छो ते स्पृहि स्पृहा छो आत्मा निकला छो पूर्वनी दिशा छो जगत नी बला छो ते स्पृहि स्पृहा छो आत्मा निकला छो इसको मिश्र चेतन बोलते हैं और प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज है वो इसको मैकेनिकल बोलता है। हाँ ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आत्मा को शुद्ध चेतन। हाँ तो मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। तो हम अपने आप को अभी कहाँ पर रखें? हमने अभी आपको मिश्र चेतन में रखना है क्योंकि पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो फिर लास्ट में बोलते हैं ये जो हम अपने आप को प्रतिष्ठित आत्मा में रखते हैं फिर आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान का विज्ञान का उपयोग करते हैं। ज्ञान दर्शन। हाँ तो जैसे जितना अज्ञानता होता है फिर हम उसको ज्ञान के द्वारा डिसॉल्व करते हैं तो उतना फिर हमारा उठता है स्टेज, मतलब डेवलप बढ़ता है। जी, तो डेवलप जैसे हुआ जितना डेवलप हुआ तो उतना फिर वो अगले जन्म में डिस्चार्ज के रूप में आएगा कि डेवलप अलग चीज है और डिस्चार्ज वाला मन बुद्धि चित अहंकार अलग है? हाँ, बताऊं मैं आपको। पहली बात ये है कि मन बुद्धि चित अहंकार अभी का चार्ज है, नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। जी सर। तो वो मन बुद्धि चित अहंकार अलग है और डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। जी तो उसको डिस्चार्ज के साथ मत जोड़ना। हाँ तो अभी अपन वही केवल दर्शन तक साथ में रहेगा, डेवलप होते 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 साथ में रहेगा। अच्छा अच्छा, और उसके बाद जैसे पूरा जैसे हम अज्ञानता को खत्म कर दिए जिसको आप बोलते हैं कि लास्ट जन्म में मोक्ष हो जाता है, तो मोक्ष एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? कभी वो होता है ना कि हम ये प्रतिष्ठित आत्मा का अंत आ जाएगा ऐसा बोलते हैं ना। अगले अवतार में प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव था इसका अंत हो गया, उसके बाद ही केवल ज्ञान का बीज होता है। तो केवल ज्ञान के बीज के लिए लास्ट बर्थ जो होता है उसमें लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है। हाँ तो ये मैं जानना करना नहीं, अज्ञान है भी नहीं, सिर्फ कर्म जो चार्ज किया है इसको कुदरत डिस्चार्ज करेगी और जैसे कर्म खत्म हो गए आत्मा मोक्ष में जाएगा क्योंकि नया कर्म बांधने वाला तो कोई है ही नहीं। अच्छा, वहां पर ना मेरे को स्वामी जी एक ही कंफ्यूजन है, एक तरफ होता है क्या मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मेरा डेवलप हो रहा है, फिर वो जो बोलते हैं नहीं कि लास्ट जन्म में खत्म हो जाएगा करके तो लगता है अरे यार मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ फिर खत्म कैसे होगा। यहाँ पर कुछ दूसरा शब्द अगर बोले तो हो सकता है, या केवल ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो हम तो रहेंगे ना स्वामी जी लास्ट जन्म मोक्ष तक तो हम रहेंगे ना। जब हम कहेंगे कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, वो हम आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा तो रहेगा। हाँ, और हम जो बात करते थे कि मैं शरीर हूँ, मैं संजोग हूँ, मैं संबंध हूँ, मैं सत्ता हूँ, मेरा साधन है, ये सब जो अज्ञान है वो खत्म होता है, ऐसे आपका डेवलपमेंट बढ़ता है। जी जी जी। तो डेवलपमेंट बढ़ने का मतलब अज्ञान नाश होना और ये कुदरती रचना को यथार्थ समझना, ये डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसे हम डेवलप हुए स्वामी जी और फिर डेवलप होते होते अज्ञानता को खत्म करते करते और हम मोक्ष में जाएंगे, ऐसा ये इसका मीनिंग तो यही हुआ ना स्वामी जी? हाँ, फिर क्योंकि जब अज्ञान सब खत्म हो जाएगा तो नए कर्म कैसे बनेंगे? हाँ, नहीं बनेंगे, लेकिन हम तो नहीं बनेंगे तो लास्ट बर्थ तो होगा ना। हाँ हाँ, लास्ट बर्थ तो होगा, तो लास्ट बर्थ खत्म हो गया, नया कर्म बनेगा नहीं, तो आत्मा कहाँ जाएगा? हाँ, मोक्ष में ही जाएगा। तो और कोई रास्ता है? कोई नहीं, नहीं, नहीं। जब कर्म बना नहीं है तो गति कैसे होगी उसकी, रिबर्थ कैसे होगा? ठीक है। समझ में आया? मतलब डेवलप जो पार्ट होता है उसका अंत तो नहीं होता है ना स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था।
डेवलप का मतलब क्या होता है आप समझो पहले, हम डेवलप शब्द क्यों बोलते हैं, आपको अज्ञान को नाश करने की क्षमता, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। जी स्वामी जी, अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, और रिलेटिव सत्य को अपनी अपनी दृष्टि में से मिटाना, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। जी जी, और अगर आपने 100% अज्ञान को मिटाया मतलब रिलेटिव सत्य मिट गया। तो रिलेटिव सत्य में क्या आता है, मैं शरीर हूं, फिर शरीर के साथ ये मन वचन काया मेरा है, इसके साथ सत्ता संपत्ति सबन साधन भी मेरा है, ये शरीर को चलाने वाला भी मैं हूँ, शरीर जो भुगतान करता है भुगतान करने वाला भी मैं हूँ, सामने वाला जो दिखता है वो भी अच्छा बुरा करने वाला वो है, ये सब कुछ अज्ञान मिट गया तो फिर हमारा जो डेवलपमेंट था यानी अज्ञान निकल गया, मतलब हमारे पास अभी कोई पुरुषार्थ करने का कोई कोई नहीं था, रहा ही नहीं फिर। हाँ बस वही देखना था, और अंत जन्म में जैसे हमको केवल ज्ञान हो जाता है लास्ट में, मतलब वो आत्मा को केवल ज्ञान खुला हो जाता है, प्रतिष्ठित आत्मा को नहीं होता है। अभी डेवलपमेंट प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जुड़ा है, अज्ञान भी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जुड़ा है, और विज्ञान और अनुभव भी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आप समझे? हेलो, ओके ओके, चलो नेक्स्ट, शायद डिसकनेक्ट हो गए। हाँ स्वामी जी, हाँ बोलिए। हाँ ये मेरी लड़की है, वो एक क्वेश्चन करना चाह रही है साथ में ही। हाँ पूछिए, प्रश्न कीजिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मुझे ज्ञान लिए 4-5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी जो कहते हैं ना कि दूसरों के अंदर शुद्धात्मा दर्शन करना चाहिए, अंदर शुद्धात्मा देखना है, तो वो मुझे फिट नहीं होता। मतलब शुद्धात्मा कैसे देखना है मुझे, तो वो हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है कि ओके मुझे शुद्धात्मा देखना है, तो इनवॉल्यूंटरी वो नहीं होता है, और उसका मतलब भी क्या है, आप मुझे एकदम बेस लेवल एकदम जीरो लेवल से समझाइए। जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्राची सिंह है, प्राची सिंह, मैं अदालत में रहती हूँ। हाँ कोई कोई बात नहीं, आपका नाम मानो के प्राची है, ठीक है। हाँ। और आपकी आपके परिवार के लोग भी आपको जानते हैं कि आपका नाम प्राची है, आपकी सहेली भी जानती है कि आपका नाम प्राची है, ठीक है। हाँ। मगर आपका नाम आपकी बॉडी के ऊपर कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। तो फिर तो कहाँ लिखा है? लिखा तो कहीं नहीं है, पर हाँ मान्यता है, सबको पता है कि मेरा नाम। बात तुम्हारा उत्तर आ गया है क्या? मान्यता है, मान्यता है, इट इज ओनली बिलीफ। ओके, तो मैं ये मान्यता चेंज कैसे करूं? शुद्धात्मा है तो वही मैं कहता हूँ, ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई मान्यता है, वो टेम्पररी होती है और वो विनाशी है, और आत्मा के साथ जुड़ी हुई मान्यता है वो परमानेंट है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है। बॉडी के साथ जुड़ी हुई मान्यता टेम्पररी है, क्योंकि बॉडी की अवस्था भी टेम्पररी है और खुद बॉडी भी टेम्पररी है। यस और नो? यस यस। तो फिर टेम्पररी, ये टेम्पररी बिलीफ है, ये परमानेंट बिलीफ है। आत्मा परमानेंट तो बिलीफ भी परमानेंट, बॉडी और उसकी अवस्था टेम्पररी तो बिलीफ भी टेम्पररी, और टेम्पररी को परमानेंट मानना उसका नाम है अज्ञान है, और टेम्पररी जो है वो कुदरती रचना है, उसको मेरा मानना, मैंने बनाया मानना, मैंने किया मानना, वो अज्ञानता है, वो अज्ञानता दृष्टि में से निकालना है और कुछ करना नहीं है। टेम्पररी तो अपने आप खत्म हो जाएगा, मगर अज्ञानता निकलनी चाहिए। तो वो अनुभव में कब आएगा? जब ये बिलीफ सेट होगी तभी मान्यता सेट होगी कि
आत्मा से जुड़ी मानने का सेट नहीं, अज्ञान निकल जाएगा तब आत्मा की अनुभूति होती है, नहीं तो पहले बिलीफ के रूप में होती है। ओके जैसे जैसे बताओ मैं आपको, एक व्यक्ति जिंदा है एक व्यक्ति मर गई है, ठीक है, दोनों व्यक्ति साथ में लेटी हुई है, दोनों का डॉक्टर स्कैन करेंगे तो स्कैन में डिफरेंस क्या आएगा, स्कैनिंग में एक तो मर गया है और एक का हार्ट भी डिटेक्ट होगा, एक जिंदा है तो डॉक्टर को तो पता चल जाएगा। मैंने स्कैनिंग कहा, मैंने मैंने ये नहीं कहा कि हार्ट बीट क्या है, स्कैन का मतलब पिक्चर समझते हैं ना। हाँ तो पिक्चर में तो हार्ट बीट नहीं आता है, हार्ट बीट इज अलग सेक्शन। हाँ मन का भी हार्ट बीट होता है, हार्ट का भी होता है, आप समझे ना। हाँ। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं स्कैनिंग कहा, मैंने स्कैनिंग स्कैनिंग का मतलब होता है बॉडी का पिक्चर, हड्डियों का पिक्चर। हाँ स्कैनिंग में तो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी तो दोनों सेम ही है, मतलब तो डिफरेंस क्या है, एक के अंदर अभी प्राण है, एक के अंदर एक आदमी जिंदा है एक मर गया है, वो डिफरेंस है दोनों। नहीं मगर मर गया है ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि शरीर में आत्मा नहीं है। तो आपके आपके उत्तर मिल गया है ना कि आत्मा नहीं है, वो जो नहीं है उसके अंदर नहीं है इसलिए मर गया, वही आपको दिखता नहीं, यही प्रश्न है ना आपको। हाँ कई प्रश्न। शरीर के अंदर आत्मा है और वो निकल गया तो इंसान मर गया, तो जो अंदर है वही आपको दिखता नहीं, यही प्रश्न है ना आपको। हाँ हाँ यही प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए कहा कि आत्मा जो अंदर है वो इंद्रियों से दिखता नहीं है, मगर हमारी बिलीफ होनी चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे हमारी बॉडी पे हमारा नाम नहीं लिखा है फिर भी पूरी दुनिया के लोग हमको नाम से ही पहचानते हैं, यस और नो? हाँ ऐसा है, तो वो भी बिलीफ है और वो भी बर्थ के लिए ही बिलीफ है, और मैं शुद्धात्मा हूं वो परमानेंट बिलीफ है। बर्थ टू बर्थ आत्मा तो वही रहेगा, शरीर परिवर्तन होगा और शरीर का नाम भी परिवर्तन होगा, आत्मा हाँ। कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो शाश्वत है परमानेंट। जी सर। तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर बिना आत्मा हमारा जीवन संभव नहीं है, फिर भी वो आत्मा दिखता नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो आत्मा है वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, मगर इसके अंदर है तभी तो हम जिंदे हैं, और जिंदे हैं तभी तो जीवन की कीमत है। जैसे आत्मा निकल गया तो दुनिया का राजा भी है तो भी उसको जला दिया जाएगा, क्योंकि बॉडी की तो वैसे भी कीमत नहीं थी, आत्मा था तभी इसीलिए बॉडी की कीमत थी, बराबर है कि नहीं? बराबर बराबर। हाँ तो आत्मा वो दृष्टि का विषय है, वो चर्म चक्षु का विषय नहीं है, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। हाँ तो इसीलिए उनको इसी प्रकार से देखना है कि भी वास्तव में मैं शुद्ध आत्मा हूं और व्यवहार से मैं नामधारी हूं, और नामधारी है वो टेम्पररी है और मैं शुद्ध आत्मा हूं वो परमानेंट हूं, तो परमानेंट कभी एंड नहीं होता है और नामधारी का एंड हो जाता है, तो उनके साथ जुड़े हुई मान्यता भी समाप्त हो जाती है, मगर उसके साथ अज्ञान से आपने जो राग द्वेष किया है वो आपके नेक्स्ट बर्थ में साथ में आएगा कर्मों के साथ। हाँ ओके ओके जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। कमलेश भाई साहब जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अपने अगाउ सुधाबेन अने किशोरभाई
જે વાત થઈ ગ્રંથિઓ બાબતમાં એ બાબતમાં મારે થોડું વધારે પૂછવું છે. સ્વામીજી આપણે કીધું કે ભાઈ ઇવન કસાય, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ને બીજી બધી જે છે બધી ગ્રંથિઓ એક જ ભવ માટે હોય છે, રાઈટ? તો સ્વામીજી તો પછી આપણે જે અજ્ઞાન જે છે, અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એટલે અજ્ઞાનમાં આપણે કહીએ છીએ અજ્ઞાન કે ભાઈ હું શરીર છું, હું નામધારી છું, બધા કરતા હું છું, સુખ બધું મારું ઇન્દ્રિયોમાં છે, એ ત્રણ માન્યતા આપણો, એ ત્રણ માન્યતા આપણું અજ્ઞાન છે. તો સ્વામીજી જે અજ્ઞાન જે છે આપણે બહુ બહુ થી જે આપણે આવે છે તો એનું સ્વરૂપ કયા કયા ફોર્મમાં આવે છે? ક્યાં બધા જે કસાયો અત્યાર સુધી કે રાગ દ્વેષ કસાયો જે છે એ સ્વરૂપ પણ નથી હોતું કે એનું અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કયું હોય છે સ્વામીજી? હા, અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે એ અજ્ઞાન માન્યતાના સ્વરૂપે અજ્ઞાન છે. ઓકે, જેમ જ્ઞાન છે તે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ્ઞાન માન્યતા, હા, અને અજ્ઞાન છે તે અજ્ઞાન માન્યતા એ એનું મૂળ સ્વરૂપ છે. અને બહાર અવસ્થા ભેગી થાય છે તે કુદરતી રચના છે અજ્ઞાન માન્યતા છે. ઓકે, હવે જ્ઞાન માન્યતા છે તે જ્ઞાન માન્યતા છે તે જ્ઞાન છે, પણ એનું સ્વરૂપ ક્યારે ખુલ્લું થાય છે? બધું અજ્ઞાન ખલાસ થાય ત્યારે. ઓકે, હવે અજ્ઞાન માન્યતા છે એ રૂટ છે બધી જ બધા જ કર્મોનું, બધી જ બધા જ વિચારોનું, બધી જ રિલેટિવ માન્યતાઓનું, બધા જ પ્રકારના કર્મોનું રૂટ છે. હા, શું છે? રૂટ છે બીજ. ઓકે, એની ઉપરથી પછી આ બ્રાન્ચીસ બધી. મૂળ અજ્ઞાન માન્યતા કે હું કોણ છું એ જ્યાં સુધી જાણતા નથી ત્યાં સુધી એ બધી માન્યતાઓ બધા જ અજ્ઞાનનું રૂટ છે. રૂટ હા, બરોબર. પણ અજ્ઞાન રૂટને આધારે, હા બોલો બોલો. અને બોલો સ્વામી, પછી તમે જે બોલતા હતા એ મારે રિલેવન્ટ બોલતા હતા તમે. હા, એટલે એ અજ્ઞાન માન્યતાને આધારે પછી આખો આ દેહાધ્યાસ ઉભો થયો, અને એ દેહાધ્યાસને આધારે રાગ દ્વેષ અને ક્રોધ માન માયાનો ઉભા થયા, એને કારણે કર્મ બંધાયા, એને કારણે જન્મ મરણના ચક્કર ચાલુ રહ્યા. ઓકે, હા. પણ પહેલું રૂટ છે હું કોણ છું એ ના જાણ્યું એ રૂટ કહેવાય, અજ્ઞાન નું રૂટ. અને રૂટ નો એન્ડ ક્યારે આવે? હું જે છું તે અનુભવ થઈ ગયો એ અજ્ઞાન નો એન્ડ આવી ગયો. ઓકે, રાઈટ. અને બાકી આ જન્મ મરણ ના ચક્કર શું છે? અજ્ઞાન થી ઉભા થયેલી એ બ્રાન્ચીઝો છે, એ ડાળીઓ છે, એ પાંદડા છે, એ ફળ છે, આવે અને જાય, આવે અને જાય, આવે અને જાય, રાઈટ. આત્મા તો તેનો દે. ઓકે, તો સ્વામીજી એટલે આપણે જે કહીએ છીએ કે આપણે જે રાગ દ્વેષ ને બધું જે થાય છે ખાલી એટલે એક ભવ પૂરતું જ થાય છે? એ બધી બ્રાન્ચીસ છે એ ફૂટ્યાય કરે છે, બદલાયાય કરે છે. દરેક અવતારમાં રાગ દ્વેષ અને ક્રોધ માન માયા અલગ અલગ પ્રકારના બંધાય, બીજા અવતારમાં અલગ અલગ પ્રકારના પરિણામ આવે. ઓકે, પણ જે ઓરિજિનલ જે રાગ દ્વેષ હોય, માન લો કે આપણે ત્રણ રાગ દ્વેષ ઓરિજિનલ ના હોય, અજ્ઞાન ઓરિજિનલ હોય. હા, ઓ બરાબર સ્વામી. માન લો કે આપણે ત્રણ ભાવ પહેલાના આપણે જે અજ્ઞાન ને કારણે જે પણ આપણે રાગ દ્વેષ લોભ ક્રોધ માન માયા લોભ જે પણ કસાયો થયા એ આપણે બીજા ભાવમાં આપણે માન લો એટલે થર્ડમાં અત્યારથી ત્રીજા ભાવ અગાઉ આપણે કરેલા હતા તો એ બીજા ભાવમાં બધા જે આપણે રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભ બધા તે વખતે આપણે બધા નીકળી જ જાય છે એટલે ગતિ સ્વરૂપ છે એનું. એ કોઝ ઇફેક્ટ સ્વરૂપે છે ને? કોઝ ઇફેક્ટ સ્વરૂપ છે. ઓકે, હા. એટલે પછી મૂળ અજ્ઞાન ક્યારે જતું નથી. ઓકે, અનલેસ તમે અજ્ઞાન નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો. કારણ કે મૂળ અજ્ઞાન એટલા માટે જતું નથી કારણ કે અનાદિ કાળથી વ્યવહારમાં, સમાજમાં, ફેમિલીમાં અને ધર્મમાં
બધાની પ્રકૃતિ સુધારવી બદલવી અને પ્રાકૃતિક ચારિત્ર સારું બનાવવું આ જ સબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે એટલે અજ્ઞાન તો પાકું થવાનું જ છે. બરોબર છે સ્વામીજી. હા અજ્ઞાન તો જવાનું જ નથી. તમે ઝાડને ઉપર થોરિયા હોય એમાંથી કેરી બનાવવામાં કન્વર્ટ કરો, એપલ બનાવવામાં કન્વર્ટ કરો, ચીકુ બનાવવામાં કન્વર્ટ કરો કે તમે બનાના બનાવવામાં કન્વર્ટ કરો, પણ ઝાડ તો રહેવાનું જ, મૂળ તો રહેવાનું જ. રાઈટ સ્વામીજી. આપણે બધા હિન્દી છે, સોરી હું પણ ગુજરાતીમાં બોલ્યો, જયારે હિન્દીમાં ચાલુ કર હું પાસે ગુજરાતીમાં બોલી એટલે હા આપણે એટલે હિન્દીનું. મેરા કહેને કા મતલબ યે હૈ કે ઇસીલિયે જહાં તક મૂળ જિંદા હૈ વહાં તક તો અજ્ઞાન હૈ ઓર વહાં તક કર્મ ભી હૈ ઓર વહાં તક જન્મ મરણ કા ચક્કર ભી હૈ. હા ઓકે ઓકે સ્વામીજી રાઈટ. હા તો અપના બેઝિકલી એ સબ ઓકે. તો સ્વામીજી અપના કહેના મતલબ અપના કોંકી અભી અપના યે માન યે જો થા હમ લોગો લા રાગ દ્વેષ ભી અપના રાગ દ્વેષ ઓર યે કસાય હૈ વો ભી અપના વો અજ્ઞાન કા એક સ્વરૂપ થા વો હિસાબ સે માનતે થે સ્વામીજી અભી તક જી. લેકિન આજ અપના ક્લેરિફાઈ હુઆ કે અપને વો ભી એક સાલ કા હી હૈ, એક અવતાર કા, એ સોરી એક અવતાર કા હી હૈ વો. તો સ્વામી હા તો ઇસલિયે આપ સ્વામીજી બોલતે હૈ કે ભાઈ રાગ દ્વેષ ઓર વો ભી અપના પરિણામ સ્વરૂપ હી હૈ ઉસકો આપ ઇસલિયે અપના બોલતે બોલતે હૈ. તો સ્વામીજી અપના યે ને અપના તીર્થંગ ભગવાન કો અરિયન કો હમ લોગ વિતરાગી ક્યો બોલતે હૈ, અપના રાગ દ્વેષ રહિત જો હૈ ઉસકો વિતરાગી ક્યો બોલતે હૈ સ્વામીજી? ક્યોંકિ ઉસકો ઉસકો રાગ દ્વેષ લાઈવ નહીં હૈ ઇસીલિયે. તો ને સ્વામીજી ઓ રાગ દ્વેષ લાઈવ નહીં હૈ વો બરોબર હૈ તો લેકિન સ્વામીજી વો તો અપના અજ્ઞાન મુક્ત હૈ એસા નહીં બોલ સકતે સ્વામીજી. વો આપ રાગ દ્વેષ નહીં બોલો કે અજ્ઞાન મુક્ત બોલો, દોને એક હી વાત હૈ. ઓકે નહીં કોકી પોપ્યુલર નામ હૈ કોકી અપને કો દેખો અપને કો ક્યા બોલતા અપના વિતરાગી બનના હૈ હમ લોગ એસા હી બોલતે હૈ વિતરાગ વિતરાગ વિજ્ઞાન બોલતે હૈ વો સબ રહેતે વિતરાગી બનના હૈ તો ઉસકા મતલબ યે હુઆ કે સ્વામીજી અપના રાગ દ્વેષ બિના બનના હૈ તો રાગ આપને એક મિનિટ એક મિનિટ આપને કહા હમકો વિતરાગી બનના હૈ યાને રાગ દ્વેષ કો નિકાલના હૈ. મતલબ મેં ખુદ કો હી નહીં જાનતા હું ઉસસે બડા અજ્ઞાન ક્યાં હો સકતા હૈ. બરાબર સ્વામીજી રાઈટ. નહીં ઠીક હૈ સ્વામીજી. આજ આજ બહુ અચ્છા બહુ બડા ફોડ હો ગયા સ્વામીજી. બહુ અચ્છા ક્રેડિટ અપના સુધાબેન કો જાતી હૈ. બહુ અચ્છા બહુ અચ્છા. ઓર ઉસને બહુ પહેલે અપના યે સબ ગ્રંથિયો સુધાબેન કો બાદ મે કિશોરભાઈ કો યે સબ જો થા યે પૂરા અપના ફોડ યે પૂરા અપના ઉજાગર કરને કે લિયે બહુ અચ્છા આજ સત્સંગ હો ગયા સ્વામીજી. જી 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 ઓકે સ્વામી જય સચ્ચિદાન સ્વામી. સ્વામીજી આ પહેલી દફા આપસે વાત કર રહી હું. આપ ભૂત પ્રેત મેં યકીન? આપ સુરેન્દ્રનગર સે બોલ રહે? હેલો. આપકો ઓર આપકો આપ પહેલી બાર બોલ રહે અચ્છી બાત હૈ સ્વામીજી. કોઈ કોઈ બાત નહીં. મેં ક્યાં કહેતા હું આપ પહેલી બાર સુરેન્દ્રનગર સે બોલ રહી હું. હા મેને સુના કોઈ બાત નહીં. મગર મેરા પ્રશ્ન યે કે મેરા પરિચય આપકો મેરા યા તો યે વિજ્ઞાન કા પરિચય આપકો કૈસે હુઆ? सुनाई देता है आपको? आपको सुनाई देता है? नेट नो प्रॉब्लम लागे जी स्वामी जी. नैना बेन जोशी
એમને મ્યુટ કર, ઉસકો મ્યુટ કર દેના, ઇસ ડબલ અવાજ આયે. હા જય શ્રી રામ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है जो डिस्चार्ज का पार्ट है. हाँ तो ये जानना था कि किस तरह से वो डिस्चार्ज होता है, उसका लिंक होता है, वो लिंक बद्ध होता है क्या पास्ट में जो भी ये किया उसका लिंक बद्ध होता है, लिंक जो भी होता है वो उम्र के मुताबिक संजोगों के मुताबिक उसकी लिंक होती है, क्रोध मान माया लोभ की और मान्यताओं की विचारों की सब लिंक होती है, तभी तो भुक्त रहेगा, कैसे कहोगे. हाँ हाँ तो वो लिंक बद्धी होता है, लिंक बद्धी. हाँ बराबर है. और जैसे कि ये ग्रहण की बात हुई तो ग्रहण में तो एक्चुअली ये फिजिकली ये लोग सब बोलते हैं और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जैसे ग्रहण में ग्रहण होता है तो बाहर बहुत अशुद्धि होती है वातावरण में, और इसके लिए पहले के लोग तो जैसे बोलते हैं ना कि पूरा घर साफ वगैरह करते थे, स्नान करते थे, सब कुछ करते थे. हाँ हाँ स्नान तो करते ही थे, मगर वो बोलते हैं ना कि पूरा घर भी उन लोग साफ करते थे दिवाली. हाँ वो ग्रहण के बाद में भी करते हैं ऐसे, ग्रहण होने के बाद में तो ये हाँ ये हो गया. और दूसरा ये आपने जो बताया परमाणु बहुत भारी होते हैं, आपने ऐसे कहा यानी उसकी इफेक्ट भारी होती है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो तो शुद्ध ही होते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो, मगर तब वो जो कोटेड किस तरह से होता है, आपने कहा कि पाक पूर्ण है जो भी परमाणु जो उसमें बनते हैं वो बहुत भारी होते हैं, तो उसका जो तभी वो उसकी जो होती है वो उसकी वातावरण के असर के कारण वो जो इंटेंसिटी होती है उसकी ज्यादा होती है, वो बढ़ जाती है. सुबह प्रार्थना करते हैं तो उसमें ताकत होती है, रात को करेंगे ताकत कम होती है क्योंकि बस थक गए, तो इंटेंसिटी डिफरेंस हो जाती है. आप तो वही के वही है. हाँ वही है सही बात है, मगर ऐसे लगता है कलयुग में कि ऐसे ऑफ कोर्स जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, वो तो हम लोग सब रियलाइज करते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे का होता है वो तो बहुत बढ़िया होता है, मगर कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता है फिर भी बहुत इंटेंस तरह से प्रार्थना हो सकती है, कभी कभी ऐसे भी लगता है, ऐसे भी अनुभव में आता है स्वामी जी. जी जी. और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, पहले जमाने में लोगों का जो जीवन था वैसे कुदरत के ऊपर आधारित था. बराबर है बराबर. और आज सब हमारा जीवन कृत्रिम हो गया, साधनों के ऊपर आधारित हो गया, आर्टिफिशियल हो गया. सही बात. पहले सूर्य भगवान को भी नमस्कार करना, चंद्र को भी, चंद्रदेव को भी नमस्कार करना, स्टार को भी देखते थे, फिर नदी को भी आरती उतारते थे, वृक्ष को भी हम पूजा करते थे, धरती माता को भी उसकी उसको सफाई करके साउस में करते सफाई करके उसके हाँ तो उसको डेकोरेटिव करते हैं, यानी हमारा पूरा जो जीवन था पहले, तो पहले का जीवन जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए आदमी भी इतना सहज था, सरल था. आज जितना जितना भौतिक चीजों के साथ जुड़ गया आदमी इतना ही आर्टिफिशियल हो गया. क्या हो गया? आर्टिफिशियल लाइफ पूरी ऐसी हो गई. जो नेचुरालिटी थी वो खत्म हो गई, आर्टिफिशियलिटी आ गई, डेकोरेशन. और इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि नेचुरालिटी का जो मनोबल है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आर्टिफिशियलिटी का जो मनोबल होता है बहुत कमजोर होता है, बहुत होता है. सही आप, बात है, सही. आपको शायद मालूम होगा कि बड़े बड़े नेता कहो, अभिनेता कहो, फिल्म कलाकार, वो अपना मन इतना ओवर होता है कि जब उसको नेगेटिव संयोग आ जाते हैं, कोई अच्छा या कुछ बुरा कर दिया, रोल बोलिया, जो कुछ भी कहो, स्टेटमेंट कहो, एक्ट कहो, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो उसको बैर नहीं कर पाते हैं, फिर डिप्रेशन में चल जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, क्योंकि मानसिक उनकी क्षमता ऐसी नहीं है क्योंकि पूरी आर्टिफिशियल लाइफ है उनकी, आर्टिफिशियल लाइफ है. तो जब ये लोग जो होते हैं, जैसे कि पुराने जमाने में 15 साल की उम्र में भी शादी हो जाती थी और 90 साल तक लोग जीते थे,
तो इतनी लंबी लाइफ जीने के बाद और लंबी लाइफ के अंदर इतने सारे पति पत्नी को संघर्ष होने के बाद भी, झगड़ा होने के बाद भी एक तरह से वो शांत और स्थिर जीवन जीते थे क्योंकि मनोबल मजबूत था। मजबूत था, सही बात है। संघर्ष तो था, साधन भी बहुत कम थे, खाने पीने कपड़ा लत्ता घर परिवार में इंस्ट्रूमेंट बहुत कम थे, पानी भी खींच के लाना पड़ता था, घंटियां चलानी पड़ती थी, दूध दही बनाना पड़ता था, कपड़ा बर्तन सब साथ में खुद को साफ करना पड़ता था, पूरे घर को भी साफ करना पड़ता था और ये डेली एंड रूटीन एक्टिविटीज थे। इसके अंदर भी टाइम निकाल के वो मंदिर में जाके बैठते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, शाम को भी वो भजन भजन करते थे, यानी इतना मेहनत करने के बाद भी वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहते थे क्योंकि इतना करने के बाद भी उसका मनोबल क्या था, मजबूत था। आज के एक व्यक्ति 8 घंटा काम करेगी, चाहे घर में करेगी या तो नौकरी धंधा में करेगी, 8 घंटे के बाद कहेगी नाउ आई एम टायर्ड, मेंटली आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफ है। सही बात है स्वामी जी, सही बात है। ये सब ऑब्जर्व करने से, ये स्टडी करने से मालूम होता है। हाँ, सही बात है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, बड़ा थोड़ा जवाब पड़ी गया छे मने, पर छता भी मारो प्रश्न छे। बोलो बोलो। हवे कुदरत, कुदरतनी कुदरत की रचना, कुदरती कानून समझ में आवी गयो। संसार का ज्ञान मनुष्य को 100% है, जबकि अध्यात्म का ज्ञान 100% नहीं है। यह जानते हुए भी कुछ भी हो रहा है आत्मा की हाजिरी से ही हो रहा है, जिसे हम ऑटो मोड कह सकते हैं। जैसे मोबाइल है, उसी प्रकार यह शरीर है, यह शरीर भी यंत्र है। कृष्ण ने भी कह दिया है मोक्ष का अध्याय में, कहा है कि यह शरीर एक यंत्र है, एवं समझी लेवा। अबे यह आ यंत्र मोबाइल मेन मेड है और जीवन जीव शरीर नेचर मेड है। फॉर एग्जांपल, सब ऑटो मोड में चलता है, यह देह हमें दिखता है। मन बुद्धि चित अहंकार यानी कि प्रतिष्ठित आत्मा जब सम्यक हो जाता है, मूल आत्मा की तरफ आता, तब हमें अनुभूतियां शुरू हो जाती है। अनुभूति शुरू हो जाती है, हमें समझ में भी आ रहा है। और जब जब हम अंदर से जब ये मन बुद्धि चित अहंकार वर्क करना चालू करते हैं, जब जब हमें विचार आते हैं फॉर एग्जाम्पल, और एट ए टाइम मन बुद्धि चित अहंकार वर्क करना भी चालू कर देते हैं, एट ए टाइम उसी क्षण मन भी काम करना चालू करता है। जैसे एक विचार आया, मन ने काम चालू कर दिया, बुद्धि ने चालू कर दिया, अहंकार ने काम करना चालू कर दिया, और हमें भीतर से आंसर भी मिलते रहते हैं। ये देना जब चालू कर देते हैं, आंसर मिलते भी रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा ध्यान उतना उस तरफ नहीं है। जैसे मोबाइल का एक ऐप खोलते हैं तो एक ही चीज का 10-15-20 आंसर शुरू मिल जाता है, उसी प्रकार हमें अंदर से वो जवाब मिलते हैं ऑटो मोड में। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, जवाब मिलता है तो प्रकाश मतलब क्या, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने ये जो हमें अंदर से जो जवाब मिल रहे हैं, जो हमें एट ए टाइम समझ में नहीं आ रहा है, सब तो ऑटो मोड में जाते, क्योंकि हमारा अध्यात्म संसार का ही ज्यादा दिखता है, अध्यात्म का जो अंदर से। अब हम जब अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं और अंदर से जो अनुभूतियां आ रही है, मिल रही है, फिर भी हमें एट ए टाइम जो जवाब मिल रहे हैं, कुछ हम प्रश्न पूछे अपने आप से ही, कुछ जैसे मन में कुछ आया, हमारा विचार आया तो मन हमें मन बुद्धि चित अहंकार तुरंत ही वो जवाब देना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें जैसे अभी आप स्वामी जी आप मेरे सामने बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतना सारा ये आया, लेकिन मेरे पास बहुत जवाब मिल रहे मुझे अंदर से, फिर भी हमें वेरीफाई करने के लिए आपकी जरूरत पड़ रही है। ये थोड़ा क्या है, क्योंकि दूसरे को तो ऐसा अनुभव नहीं होगा, मैं जो कहूंगी ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, तो जिसके पास अनुभव है मैं उसी के पास मुझे जाना पड़ेगा।
तो ऐसा जो हो रहा है उस समय वो क्या है? कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपको ये विज्ञान समझ में आ जाएगा, उपयोग में आएगा, अनुभव में आएगा, ऐसा ऐसा आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आपको अपने आप स्वयं ही मिलेगा, ये विज्ञान ही आपको उत्तर देगा। अच्छा, क्योंकि आखिर दुनिया के हर प्रश्नों का समाधान सनातन सत्य के सिद्धांतों में समाया हुआ है, और दुनिया के हर प्रश्नों का कंफ्यूजन वो रिलेटिव सत्य के समाधान में समाया हुआ है। रिलेटिव सत्य का मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन, बट ऑलवेज यू आर इन कंफ्यूजन। एंड सनातन सत्य का समाधान का मतलब होता है परमानेंट सॉल्यूशन। तो वो जो हमें आंसर मिलता है तो उस पे हम विश्वास तो कर सकते हैं ना कि ये दिस इज राइट। हाँ, अभी अभी मेरे को कैसा हो रहा है कि जैसे ही मैं ऐसा कुछ विचार आता है तो मैं तुरंत गूगल में जाना पड़ता है, गूगल को पूछना पड़ता है कि ये क्या रहा, ऐसा कुछ है, किसी ने बताया है, क्योंकि अभी मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया है कि फट समय, तब उस समय बार बार तो मैं आपको फोन करके नहीं पूछ सकती हूँ कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो गूगल में जाना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे आंसर वहां से मुझे मिलते हैं, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो आंसर है ऑलरेडी दे चुके हैं कोई ना कोई, जैसे कि पुराण में भी कहीं ना कहीं जवाब मिला हुआ है, उसी का री इन्वेस्टमेंट जैसे क्या बोलते हैं, रिसर्च अगेन एंड अगेन, नया नया आदमी, जैसे नया जब जैसे आप कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून, तो वो तो पुराण में बोल ही चुके वो लोग, लेकिन आज का जिस तरह का आदमी आया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दुनिया जो आते हैं, वो उसका समझाना रहा है ना, तभी तो वो समझे। हाँ, तो यही चीज मुझे बार बार माइंड में आती है और जवाब भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि क्या ये राइट है, तो मतलब हम वो ट्रैक ठीक है। देखो, पहली बात ये है कि दुनिया में कोई भी प्रकार का शाश्वत ज्ञान है वो कभी नया नहीं होता है, और जो टेम्पररी ज्ञान है वो हर समय संजोगों के अधीन, समय के अधीन, काल के अधीन नया भी होता है और परिवर्तनशील भी होता है और टेम्पररी भी होता है। मगर जो ये दुनिया का जो सनातन सत्य है वो परमानेंट होता है और अपरिवर्तनशील है। क्या है? अपरिवर्तनशील। तो इसीलिए 24 तीर्थंकरों ने जो कहा, राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, और भी महान पुरुषों ने कहा, मैं भी अभी कह रहा हूं, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग कहेंगे, तो सनातन सत्य कभी दो प्रकार का नहीं हो सकता है। रिलेटिव सत्य अनेक प्रकार का हो सकता है जिसमें दुनिया फंसी हुई है। समझ में आया? जी हाँ, बस यही था कि बरसों से, हजारों सालों से लोगों ने, हम जब महावीर स्वामी को भी पढ़ते हैं, आगम निगम ये वो इधर उधर कितना भी पढ़ा, लेकिन वहां पे भी यही सब कहा गया है, वहां पे भी सेम टू सेम कहा गया है, और अभी हम उसको रिफाइन करके, जैसे लैंग्वेज रिफाइन करके बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए बात सही है, यानी कि आत्मा आत्मनी ज्ञान और ज्ञान एक ही सनातन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जब आपको ये आध्यात्म विज्ञान की जो दृष्टि मिली, तभी आपको समझ में आया कि हम जो बताते हैं वो शास्त्रों में भी ज्ञान है। उससे ये आध्यात्म विज्ञान मिलने के पहले आप अगर शास्त्र पढ़ते थे तब आपको नहीं लगता था कि शास्त्र में ज्ञान थे, आपको यही लगता था कि ये शास्त्र में ये लिखा है, 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 यही आपको समझ थी। हाँ, मगर आपको जब ये विज्ञान मिला, विज्ञान का मतलब आपको सनातन सत्य की दृष्टि मिली, तो आपको गीता में भी वही दिखाएंगे, वेदांत में भी वही दिखाएंगे, आगम में भी वही दिखाएंगे, महावीर की किताब में भी वही दिखाएंगे, और कोई धार्मिक किताब में भी वही दिखाएंगे, क्योंकि आखिर सनातन सत्य की दृष्टि से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता है।
क्योंकि सनातन आत्मा या बात अपने अपने समय पे कही है, मगर आज वो सनातन सत्य कहने वाले की जो बातें हैं वो उनकी परंपरा ने लोगों ने रिलेटिव सत्य के फॉर्म में बता दिया, तभी तो कंफ्यूजन शुरू हो गया। यस यस, और वही कंफ्यूजन निकालने के लिए वही फिर से मैं वही सनातन सत्य की बात करता हूँ, तो बाद में आपको लगता है कि दुनिया के हर शास्त्र यही कहते, तो मैं भी यही कहता हूँ कि मूल पुरुष ने तो यही कहा है, मगर कीमत दृष्टि की है। किसकी है? दृष्टि। ये दृष्टि आपको मिली अध्यात्म विज्ञान की, तभी आपको मालूम हुआ कि गीता में भी ये है, रामायण में भी ये है, वेदांत में भी ये है, आगम में भी है, तो कीमत किसकी है? दृष्टि की। आज भी आज भी वो किताब पढ़ने वाला और वो किताब में पढ़कर लोगों को सत्संग करने वाले के पास भी जब सनातन सत्य की दृष्टि नहीं है तो उसको वो मालूम नहीं है। नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपके पास हम लोग आने के बाद मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी, कुछ ये सब पता भी ज्ञान का कुछ पता ही नहीं था। जब मैंने ये समझा तब मुझे ये समझ में एकदम स्ट्राइक हो गया, और जब जब मैं कोई भी किताब खोलती हूँ तो मुझे लगता है कि जो स्वामी जी कह रहे हैं वही है, जो स्वामी जी कह रहे हैं वही, दादा भगवान जो कह रहे वही है, आप तो जो कह रहे हैं वही है। और जब कुदरती कानून जब समझ में आ गया तब तो समझ बिल्कुल समझ गए कि सब ऑटो मोड में ही चल रहा है, सब ऑटोमेटिक एकदम ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है कि संसार में रह रहे हैं तो संसार ज्यादा जकड़ ले रहा है, क्योंकि अभ्यास संसार का ज्यादा है और उस तरफ का थोड़ा जागृति कम हो जाती है, बिकॉज जो मेरे सामने 10 आदमी हावी हो जाते हैं संसारी, तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ इधर, तो उसी के कारण ये काम क्रोध लोभ मोह माया हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। ये मेरा एक्चुअली प्रश्न यहाँ पर। थैंक यू स्वामी जी। अरे तुम्हें नहीं महीना होता हमें क्या होता हमने लागे। थैंक यू। ओके ना बेन, अभी कोई बाकी है? हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न थे। या प्लीज। हाँ स्वामी जी, कोकिला कट। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। सुन रहे थे? सुन सकते हैं स्वामी जी? सुनता है? सुन सकते है? हाँ, सत्संग। हाँ स्वामी जी, इतना सत्संग सुनने के बाद ऐसा मेरा क्वेश्चन ऐसा लगता है कि थोड़ा ट्रैक बदलेगा तो चलेगा, क्वेश्चन पूछने का ट्रैक जब। हाँ हाँ, तो स्वामी जी मैं, हाँ तो दादाजी की एक ऑडियो क्लिप में से मेरे को 2-3 क्वेश्चन है। तो स्वामी जी, दादाजी संतों भक्तों और योगियों के बारे में ऐसा बताते हैं कि संतों या योगियों की मुक्ति होने में बहुत देरी लगती है और भक्तों को जल्दी दिन होता है मुक्ति मिल सकती है। तो स्वामी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि दादाजी संतों योग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और दादाजी की वाणी में हमें ऐसा भी सुना है कि मैं तो भगवान बनाना है, भक्तों को तुम अनंतता से थे ही फिर भी मुक्ति नहीं हुई, अब भगवान बनना है। तो स्वामी जी उसके बारे में आप जरा थोड़ा विवरण कीजिए प्लीज। और मेरा ये भी क्वेश्चन है कि दादाजी कहते हैं कि योगी योगेश्वर कोप जान, तो कौन से योग का योगेश्वर, और ऊपर के बारे में ऐसा बोलते कि योगी का अमृत होता है, तो समझना। ये सभी बातें जो कही है ये सब रिलेटिव सत्य है और सबका एंगल अलग अलग है, उसमें कोई जगह प्रिंसिपल नहीं है, ये रिलेटिव सत्य की बातें हैं। तो रिलेटिव सत्य में जो टाइमिंगली जो टॉक होती है व्यक्ति के आधार से वो उसका इम्पोर्टेंट होता है, प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार का उत्तर दिया गया है। वो निमित्त के बारे में, निमित्त की वजह से। हाँ, तो इसीलिए कोई सैद्धांतिक बात नहीं कही है उन्होंने। जब कहा कि भाई, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको शॉर्टली ब्रीफ में समय की मर्यादा के आधार से। तो जो पहले उन्होंने कहा ज्ञानी पुरुष ने कि योगी और संत लोग बाद में मोक्ष में जाएंगे, मगर भक्त लोग जाएंगे ज्यादा जल्दी मोक्ष में जाएंगे। यहाँ भक्त शब्द इसीलिए इम्पोर्टेंट बताया गया कि जिसने जिसने आत्मा की भक्ति किया है वो भक्त के संदर्भ में उन्होंने बताया,
और बाकी योगी और संत तो श्रद्धा वाले थे, तो उनको तो बहुत समय लगेगा अभी ये सिद्धांत को समझने में। ये एंगल था। दूसरा आपका प्रश्न क्या था? योगी लोग हठ योग होती है तो उसका बहुत देरी लगता है। योगी लोग योगी लोगों को भी तो ये जो हठ योगी होता है ना, ये सब अहंकारी होता है। प्रकृति को वश में रखना चाहते हैं, करते भी है, मगर वो अहंकारी होते हैं। तो इसको प्रकृति के आधार से उनकी क्षमता मालूम होती है, तो इसीलिए उसको आत्मज्ञान होना संभव नहीं है उस समय, क्योंकि उनका पूरा लाइफ प्रकृति को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। आप समझे, प्रकृति कहो, इंद्रियों को कहो, कंट्रोल करने में लगा हुआ है योगी लोगों को। तो उसको तो आत्मा समझने में और ये दुनिया का सनातन समझने में बहुत समय लगेगा। और तीसरा प्रश्न क्या था? फिर वो ही की वो तो बताया आपने कि भक्त लोग योगी योगेश्वर ओक जाए। ये आपका तीसरा प्रश्न था। हाँ, योगी योगेश्वर अभी यहाँ आपने बताया पहले कि योगी हठ योगी वो जल्दी मुक्त नहीं जाते। यहाँ क्या बताया? योगी योगेश्वर कोक जाने कहने का मतलब यहाँ योगी शब्द आत्मयोगी के लिए बताया गया है। पर्टिकुलर आत्मयोगी। ओके ओके, जय सचिदानंद। अभी लास्ट में कौन है? लास्ट क्वेश्चन, भारती ठक्कर, डोंबिवली। जय सचिदानंद स्वामी जी। जय सचिदानंद स्वामी जी। मैंने पूछू तो कि ग्रहण ना दिवसे मैंने मारी तबियत बहुत बगड़ी जाए, अमास ना दिवसे, पूनम ना दिवसे, तो ईशू हसे एटलू बधु एटलू वातावरण नो फरक हसे रीतना, तो कुदरत ने केवी रीतना खबर पड़े कि आ थई छे करीने रीतना? साइकोलॉजी का साइकोलॉजी ना, वो बहुत तबियत बगड़ी जाए छे तारे एकदम ज, वो मानसिकता होती है। मानसिकता कोई नहीं कहता है कोरोना 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 करता है, तो रात को भी नींद नहीं आएंगे तो क्या करूंगे हम ना, पर जैसे माथू चढ़ी आवे बधुज चढ़ी आवे छे एकदम आज। मगर वही मानसिकता का मतलब क्या हुआ, आपको एक प्रकार का भय होता है और साइकोलॉजी होती है, तो सबसे पहले तो माइंड को ही इफेक्ट होगी ना, पहले मन में इफेक्ट होती है, फिर जबान में आता है और फिर तन में होता है। कोई भी प्रकार की प्रक्रिया पहले मन में होती है, फिर वाणी द्वारा व्यक्त होती है, फिर तन में होता है। तो ये इस प्रकार से इफेक्ट होती है, पहले मन में ही होती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी प्रार्थना कर लेते हैं। दिलीप भाई प्रार्थना कर, रिपीट कर सर। नहीं प्रार्थना करवानी, प्रार्थना स्वामी। हाँ कौन रिपीट कर रहे सर? हाँ दिलीप भाई अनम्यूट कर जो। ओके, हे अंतर्यामी परमात्मा। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, दृष्टि द्वारा, दृष्टि द्वारा जो कुछ भी दोष हुए हैं, जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ उनके लिए हृदय से
क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम, आप